We start with standards on auditing again, सुबह का समय तो ऐसे से शुरुआत करते हैं। कल हम लोग देख चुके थे कोर ऑडिट प्रोसेस। वी हैव सीन 400 सीरीज, 500 सीरीज और प्रोफेशनल एथिक्स में, ठीक है, शेड्यूल वन हम लोग देख चुके हैं। अभी शुरू करेंगे हम लोग 200 सीरीज से। वॉल्यूम वन पे अगर आप आएंगे, वॉल्यूम वन कॉन्सेप्ट नंबर 2.01, लेट्स सी। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, मे 19 के आरटीपी में है, मे 19 आरटीपी में है, मे 19 के मॉक टेस्ट पेपर में है। फिर इंस्टीट्यूट ने कहानी बताई है, बच्चा देखता है केस स्टडी, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, और फाइनली पूछा है व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन टर्म्स ऑफ अग्रीड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड। बहुत आसान सा है, पूछ रहे कि एंगेजमेंट लेटर में कौन सी बातों को इंक्लूड करना चाहिए। तो बहुत आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले हर ऑडिट असाइनमेंट में एंगेजमेंट लेटर इज मैंडेटरी एज पर एस ए 210। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपको प्री डिसाइड करना ही करना है। अब उसमें कौन सी बातें होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड में दो तरह की बातें लिखी, मैंडेटरी कौन सी बातें आनी चाहिए और नॉन मैंडेटरी। जो सबसे पॉपुलर है कि मैंडेटरी कौन सी बातें आनी चाहिए, तो पांच बातें हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, अल्टीमेटली आप क्या रिपोर्ट करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। रिपोर्ट करना चाहते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। कंपनी एक्ट के अंदर ही आप कर रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कर रहे हो, जीएसटी एक्ट के अंदर कर रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में पहले साफ साफ लिखा होना चाहिए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ये पर्टिकुलर ऑडिट हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, इनकम टैक्स के हिसाब से कर रहे हैं, जीएसटी के हिसाब से कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और स्कोप, कितनी चीजें कवर करने वाले। सिर्फ हेड ऑफिस को कवर करने वाले, हेड ऑफिस के साथ में ब्रांचेस को भी कवर करने वाले, होल्डिंग को कवर करने वाले, सब्सिडरीज को भी कवर करने वाले, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ठीक है। अल्टीमेट क्या बात बताने वाले हम लोग, कौन से एक्ट के हिसाब से और स्कोप हमको कवर करना है। फिर बहुत आसान, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी रहेगी। बहुत सिंपल सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन बनाएगा, मैनेजमेंट। अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, डिस्क्लोजर भी कौन देखेगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, पॉइंट नंबर टू, जब मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा तो वो कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा, कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। देखो वहां पर दिया है, नंबर वन क्या होना चाहिए वहां पे, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। फिर किसकी जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। उसी से रिलेटेड तभी कभी बताना है कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो इंप्लीमेंट करके करेगा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
अप्लाई करने वाला है, कि इंडियस अप्लाई करने वाला है, कि आईएफआरएस अप्लाई करने वाला है, कि यूएस गैप अप्लाई करने वाला है, साफ साफ बताना पड़ेगा कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट क्लियर? फिर मैनेजमेंट जिम्मेदारी, वो कौन सा एफआरएफ फॉलो करेंगे, फिर किसकी जिम्मेदारी, ऑडिटर, ऑडिटर की जिम्मेदारी कि अल्टीमेटली ही हैज टू गिव ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है कि वो ओपिनियन देगा, वो ओपिनियन ना ओपिनियन देगा, इसके लिए वो काम कैसे करेगा एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ही विल वर्क एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, उसकी रिपोर्ट का एक्सपेक्टेड फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी बताना पड़ता है। फिफ्थ नंबर, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कॉन्टेंट ऑफ द रिपोर्ट, कि भाई एस एस 700 के हिसाब से रहेगा और उसमें ये इंपॉर्टेंट बातें कवर होगी। एनेक्चर में चाहे तो आप एक एनेक्चर में यू कैन ऑल्सो शो कि भाई एक्सपेक्टेड फॉर्मेट ऐसा रहेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ध्यान देंगे सब, बहुत आसान। कौन सा ऐसे पढ़ रहे हैं? ऐसे 210, उसमें कौन सा क्वेश्चन है, कौन सी बातें आपके एंगेजमेंट लेटर में आनी ही चाहिए, कितनी बातें आनी चाहिए, पांच। पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और जिम्मेदारी को निभाने के लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी और जिम्मेदारी निभाने के बाद एक्सपेक्टेड फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो दो बातें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है और दो बातें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये मार्किंग कर ली आपने, जितनी बातें वहां पे है वो आपने सबने मार्क करना चाहिए। नाउ रिकरिंग ऑडिट्स होते हैं, सबको पता है कौन सा ऑडिट साहब, रिकरिंग ऑडिट्स। अब जो रिकरिंग ऑडिट्स है, आप बताइए रिकरिंग ऑडिट मतलब बार बार वही कंपनी का ऑडिट करते हैं ना, दैट इज रिकरिंग ऑडिट। जब रिकरिंग ऑडिट होते हैं, क्या हर साल हमको एंगेजमेंट लेटर साइन करवाना पड़ता है? आंसर इज नो, हर साल आपको एंगेजमेंट लेटर को साइन कराने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। लेकिन आपको ये करवाना पड़ेगा अगर चेंजेस हुए तो। देखो फैक्टर्स, ये क्वेश्चन आपके मई 18 के मॉक टेस्ट पेपर में बहुत सिंपल, हमने क्या किया याद रखने के लिए फैक्टर्स को बांट दिया। सबसे पहले एक्सटर्नल, जो लॉ रूल्स रेगुलेशन कंपनी को लगते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लगते हैं, अगर वो बदल जाए, कंपनीज एक्ट बदल जाए, बहुत बड़ा जीएसटी एक्ट बदल जाए, लॉ रेगुलेशंस जो लगते हैं वही बदल गए, पूरे वो बदल गए, तो हमने नया एंगेजमेंट लेटर बनाना चाहिए। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है एएस के बदले अब इंडेस लगने लगा है, या फिर कुछ यूएस गैप लगने लगा है, आईएफआरएस लगने लगा है, अगर इतना बड़ा चेंज है तो हमने रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर बनाना चाहिए। इस पॉइंट क्लियर? फिर चेंजेस फ्रॉम मैनेजमेंट साइड, बिजनेस बदल गया, नेचर ऑफ बिजनेस ही बदल चुका है सर। पहले बिजनेस सिर्फ ट्रेडिंग का हुआ करता था, पहले सिर्फ किसका बिजनेस था, ट्रेडिंग का, अब ट्रेडिंग के साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग भी बदल गया, बिजनेस डबल हो गया। अगर ऐसा कुछ हो गया है कि नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज हो गया है, नया बिजनेस ऐड हो गया है, वापस हमने एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना चाहिए। बिजनेस वही है लेकिन बिजनेस की ओनरशिप बदल गई, अगर ओनरशिप बदल गई है, दूसरे फैमिली ने इसको टेक ओवर कर लिया है, दूसरे ग्रुप ने इसको टेक ओवर कर लिया है, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो पुराने लोगों के साथ थी, वापस हमने एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना चाहिए। ओनर्स के नीचे कौन होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट बदल गया, एमडी सीईओ सीएफओ बदल गया, वापस हमने एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना चाहिए, फिर से बना लीजिए। या फिर ऐसा लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है इन लोगों को, ठीक है, हमको बोल रहे अरे आपने इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट नहीं दी, आपने वो टैक्स एडवाइजरी नहीं दी, आपने वो फ्रॉड की रिपोर्ट नहीं दी, साहब हमको लगता है कि देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारा काम है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना, ये बाकी सारी चीजें हम लोग करने वाले नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बोले, ठीक है एक काम करते फिर से मैं एंगेजमेंट आपको भेजता हूं और आपको बताता हूं कि हमारी सिर्फ जिम्मेदारी ओपिनियन की है और ये एक रिपोर्ट हम आपको देंगे साल खत्म होने के बाद, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी हमारी बनती नहीं है। फिर कुछ चेंजेस हो सकता है ऑडिटर के साइड से, ऑडिट करने का तरीका बदल गया हो गया, हो सकता है हम लोग कैट यूज करें, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स कैट यूज करें,
ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि हमने, ठीक है, हमारा ऑटोमेटेड चेकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, करेक्ट। हो सकता है कि पहले हम लोग एनुअल चेकिंग कर रहे थे, अब क्वार्टरली आके चेकिंग कर रहे हैं, हमारा चेक करने का तरीका बदल गया, या फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बदल गई। जैसे अब कारों में 20 आ चुका है, उसमें हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बदल चुकी है, तो हो सकता है कि और कुछ बातें हमको ध्यान देनी पड़े, तो वापस हम रिवाइज लेटर ले सकते हैं। ध्यान देंगे, अगर 5 मार्क चाहिए, लेसन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एंगेजमेंट लेटर को कब रिवाइज करना चाहिए, पॉइंट्स को कितने हिस्से में बांटा हम लोगों ने, 3। पहले कौन से चेंजेस, एक्सटर्नल चेंजेस, फ्रॉम चेंजेस फ्रॉम मैनेजमेंट साइड एंड चेंजेस फ्रॉम ऑडिटर साइड। एक्सटर्नल चेंजेस में क्या था, लॉ, लीगल, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बदल गए, या फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल गया। देन चेंजेस फ्रॉम मैनेजमेंट साइड, मैनेजमेंट साइड उन्होंने क्या बदल दिया, बिजनेस या बिजनेस के ओनर, ओनर से नीचे सीनियर मैनेजमेंट, या फिर उनको क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग, सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। या फिर ऑडिटर के तरफ से चेंज है, ऑडिटर का ऑडिट करने का तरीका बदल गया, स्पेशल टर्म्स आगे कुछ अलग तरीके से ऑडिट करेंगे, या फिर उनके, ठीक है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बदल गए। ये बात समझिए सब, ओके। नवंबर 19 के आरटीपी में फिर कॉन्सेप्ट नंबर 3.05, पहले क्वेश्चन में अलग अलग बातें पूछी है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर प्री कंडीशंस, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, कितनी प्री कंडीशंस है, 2। इससे पहले कि हम ऑडिट को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचे, इससे पहले कि हम लोग ऑडिट को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचे, कुछ बेसिक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कुछ प्री कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कितनी प्री कंडीशंस थी, 2। पहली प्री कंडीशन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बनाएगा। अब इसमें इतना बोलकर नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा साहब, मैनेजमेंट। उसको और अगर स्पेसिफिकली बात करनी है हमको, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा साहब, मैनेजमेंट। फिर उसका और एक्सप्लेनेशन है, 1A लिखा है मैंने, मैनेजमेंट को प्री कंडीशन है, मैनेजमेंट को अग्रीमेंट में लिखकर देना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको बनाएंगे। इतना काफी नहीं है, कनेक्टेड पॉइंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे। फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए पूरा एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगता है, रेगुलरली अकाउंटिंग होना, सभी ब्रांचेस का हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस जनरेट होना, उसकी एक्यूरेसी चेक होना, फिर उसको कंसोलिडेट करना, फिर उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, इसके लिए जो इंटरनल कंट्रोल्स रहेंगे इसको बनाकर इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, मैनेजमेंट। फिर ये सब करने के बाद जितनी तुमने अकाउंटिंग की वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी किसके साथ, ऑडिटर के साथ। ऑडिटर को एक्सेस देना पड़ेगा, ऑडिटर बोलेगा मेरे को सैलरी का और एक ग्राफ बना कर दे, सैलरी का ग्राफ बना कर दे, रेंट का ग्राफ बना कर दे, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, तो वो भी बनाकर देना पड़ेगा। जो चीजें तुमने की है उसकी जानकारी शेयर करो, शेयर दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। मैं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगू वो भी मुझे बनाकर देना पड़ेगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मैं जब चाहूं तब ऑडिट के लिए कंपनी के कोई भी ऑफिसर और एम्प्लॉय से जाकर पूछताछ कर सकता हूं, ये सब लिखकर देना पड़ेगा। तो प्री कंडीशन में आप सिर्फ 2 बातें लिख कर आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट। कहां लिख के देना पड़ेगा, अग्रीमेंट में।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या लगता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो भी आप बना के दोगे। सब बनाने के बाद में क्या एक्सेस दोगे, इंफॉर्मेशन, और क्या दोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और क्या दोगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ठीक है, फिर दूसरी बात, जो आपका एफआरएफ है, ये सेकंड कंडीशन जो आपका, और उसी को एक्सप्लेन किया, बस उतना ही एक्सप्लेन किया, वो एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। वो एफआरएफ कैसा होना चाहिए साहब, एक्सेप्टेबल। ठीक है, किसका लेंगे एग्जांपल? सर आपका नाम रोहन, तो रोहन सर हमारे हुनर बुद्धिमान शक्तिमान, रोहन सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं अब। ठीक है, अब यहां पे लोग बोले सर हमारा भी नंबर लगा देते हैं, और सीए बनने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगभग एक साल रहता है, उनको एक मेल आता है युगांडा से, डियर रोहन, वी केम टू नो दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, इन इंडिया, वी वॉन्ट टू गेट अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड फ्रॉम यू, फीस $1,00,000, ठीक है, $1,00,000 तो 70 lakhs का है। रोहन बोलता है ओके, बट लिसन, देर आर टू प्री कंडीशंस एज पर एस ए 210, आर यू रेडी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस यस, वी आर रेडी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेक वेदर यूर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। क्या एक्सेप्टेबल है? बोले यस वी आर सेंडिंग यू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक पीडीएफ आता 19 पेज का, 19 पेज का पीडीएफ है, उसने वहां पे फॉर्मेट है, बहुत शुरुआत में फॉर्मेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा हुआ है पीएनएल में, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐसा लिखा हुआ है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। बोले आपका तो फाइनेंस का काम है, आपका फाइनेंस का काम है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो आपके किसी काम का नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज टू यू, ये जो फॉर्मेट है ये तो आपके कंपनी को सूटेबल नहीं है। आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बहुत सारी बातें लिखी ही नहीं है, आधा अधूरा इनकम्प्लीट है, सिर्फ रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात की है, खर्चे कैसे बुक करना उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है, ना रिलेवेंट है ना कंप्लीट है, डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले में रेसिडुअल वैल्यू माइनस करने के बारे में लिखा ही नहीं है, रिलायबल भी नहीं है, ना रिलेवेंट है, रिलेवेंट नहीं है, सूटेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, इनकम्प्लीट है। बोले माफ करो, बोले माफ करो, इतना घटिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है और उससे बहुत घटिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने वाले, अगर मैं उस पर साइन करूंगा तो सब लोग मेरे पे टूट पड़ेंगे, मेरा भी नाम खराब होगा, सीए इंस्टीट्यूट का भी नाम खराब होगा, मैं आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट कर नहीं सकता। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए साहब, एक्सेप्टेबल। करेक्ट, रोहन उदास हो गया, बोले ठीक ना। फिर इसी बात को लिखा है, दोनों कंडीशन मैंडेटरी है, दोनों में से अगर मैनेजमेंट अग्रीमेंट में लिखकर नहीं देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमारी जिम्मेदारी है, डोंट एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं है, डोंट एक्सेप्ट। दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? बात समझिए साहब। लेकिन अब और एक क्वेश्चन पूछ, वहां पर और एक चीज पूछिए, पहले ही बोल दिया है नॉट एबल टू प्रोवाइड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, हम असाइनमेंट में क्या प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ लिसन, इसको हम लोग बोल, मतलब अभी तो असाइनमेंट एक्सेप्ट भी नहीं किया, सिर्फ बातें चल रही है, तभी अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, उसको बोलते हैं लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस।
बहुत आसान है, क्या लिखा है सैनेट में, अभी हमने असाइनमेंट एक्सेप्ट भी नहीं किया, सिर्फ बातें चल रही है, और तभी अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो तो उसको बोला जाएगा लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट। अगर ऐसा लगता है ये लिमिटेशंस की वजह से, कल जाके हमको आगे जाकर डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, डिस्क्लेमर, बोले अभी से मतलब कहानी क्लियर है, इतनी सारे बंदिशें लगा रहे हो, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि आगे जाके क्या देना पड़ेगा साहब, डिस्क्लेमर, डोंट एक्सेप्ट द असाइनमेंट। आगे जाके अगर डिस्क्लेमर देना है, दिख रहा है साफ साफ, तो आपको असाइनमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना। कंक्लूजन, इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, आगे जाके डिस्क्लेमर देना पड़ सकता है, तो असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। बात समझिए क्या सर, इज दिस पॉइंट क्लियर, यस नो? कौन सा ऐसे पढ़ा अभी, ऐसे 210, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द मैंडेटरी क्लॉजेस ऑफ एंगेजमेंट लेटर, कितने क्लॉज थे, 5, पहला ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और उनका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ऑडिटर की जिम्मेदारी और उसका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, 5 बातें हो गई। फिर हमने क्या पढ़ा, रिवीजन ऑफ एंगेजमेंट लेटर, चेंजेस बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, चेंजेस बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, चेंजेस बिकॉज ऑफ ऑडिटर। फिर हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, प्री कंडीशंस, कितनी प्री कंडीशन थी, 2। उसके बाद में क्या पढ़ा उसमें, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू एक्सेप्टेंस, इज पॉइंट क्लियर? नाउ ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं वेट ही कर रहा हूं कब एग्जाम में पूछेंगे, नवंबर 11 के आरटीपी और नवंबर 16 का आरटीपी। कॉन्सेप्ट नंबर 4, देन हम सब क्वालिटी, मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑडिट, मजा आना चाहिए, बोले इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, दो बातें होती हैं, ऑडिट का पूरा काम, ऑल दी एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स इन दी ऑडिट शुड बी एज पर एप्लीकेबल लॉ। मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस चलता है, सबसे बड़ा लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिट का पूरा काम शुरुआत से लेके आखिरी तक एज पर लॉ, रूल्स, रेगुलेशन और एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग गाइडेंस नोट के हिसाब से होना चाहिए, नंबर 1। और आखिरी में जो रिपोर्ट बनती है, इट शुड बी एक्सेप्टेबल, इट शुड बी अप्रोप्रिएट इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, कोई भी उसको चैलेंज कर दे वो रिपोर्ट सही रहनी चाहिए। ये दो चीजें जब होती है उसको बोलते हैं क्वालिटी। क्वालिटी मेंटेन करना इज अ चैलेंज। एक सीए फर्म में 300 क्लाइंट है, 300 क्लाइंट में ऑन एन एवरेज साल भर में 4 रिपोर्ट इशू होती है, 1200 रिपोर्ट इशू की जाती है, और 1200 के 1200 रिपोर्ट्स में क्वालिटी को मेंटेन करना इट्स अ चैलेंज। तो हमारे कोर्स में 2 स्टैंडर्ड्स है, वी हैव 2 स्टैंडर्ड्स, 2 स्टैंडर्ड्स है, एक एसक्यूसी 1 जो क्वालिटी से डील करता है, दूसरा एसए 220। एसक्यूसी 1 हमको बताता है कि एक सीए फर्म में किस तरह की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होनी चाहिए ताकि सीए फर्म में होने वाले जितने भी असाइनमेंट्स है, सबकी क्वालिटी को बरकरार रखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, वहां ऐसा लिखा हुआ है कि आपने रेगुलर बेसिस पे एस्टिमेट करना चाहिए कितने लोग लगेंगे, उनका रिक्रूटमेंट करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपके पास में एडिक्वेट लोग रहेंगे तभी जाके असाइनमेंट्स पे आप क्वालिटी को मेंटेन कर पाओगे। ये लिखा है एसक्यूसी 1 में। फर्म लेवल पर कैसी पॉलिसीज बनाना, फर्म लेवल पर कैसी प्रोसीजर्स बनाना
ताकि क्या मेंटेन कर सके, क्वालिटी। फर्म लेवल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स आपको कौन देता है? एसक्यूसी वन। असाइनमेंट लेवल पर उसको इंप्लीमेंट कैसे करें, असाइनमेंट लेवल पर उसको इंप्लीमेंट कैसे करना करेक्ट, उसके लिए हमारे पास है ऐसे 220। जब ऑडिट हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो उसमें उसको इंप्लीमेंट कैसे करना, उसके लिए हमारे पास क्या है सब, ऐसे 220। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये बात समझे आपको? यस नो करेक्ट। फर्म लेवल के लिए कौन है? एसक्यूसी वन। स्टैंडर्ड और असाइनमेंट लेवल पे इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन सा है? ऐसे 220। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। अब ये क्वेश्चन पे आते, ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि एक क्लाइंट है, हम बरसों से उसका ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट कैसे करना पूरे टीम को बहुत अच्छे से पता है, ऑडिट कैसे करना पूरा स्ट्रीमलाइंड है, क्लाइंट पूरा स्ट्रीमलाइंड है, वहां के स्टाफ को पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते, हमारे स्टाफ को पता है क्या चेक करना पड़ता और पूरा ऑडिट एकदम स्मूथली हो जाता है, कंप्लीट ऑडिट इज डन स्मूथली। इसीलिए एक सीए फर्म के मैनेजर को अपॉइंट कर दिया है कि अब तू ये पूरा असाइनमेंट इंडिपेंडेंटली पूरा हैंडल कर ले, ऐसा लिखा है। दूसरा ये लिखा हुआ है कि एक जूनियर को इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दिक्कत है, जूनियर को इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दिक्कत है और वो बोलता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन मुझे सही नहीं लग रहा, तो वो मैनेजर ने बोला मैं बहुत बरसों से असाइनमेंट कर रहा हूं, ते वो क्या समझता, ते वो कुछ नहीं समझता, बोले सब बराबर चल रहा है, कोई इस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, हमको बोला है कमेंट। तो इसमें क्वालिटी ऐसे 220 में जो बात लिखी है दो बातें फॉलो नहीं की जा रही है। नंबर वन, ये केस देखा हुआ होना चाहिए। देखिए कल भी हम लोगों ने प्रोफेशनल एथिक्स देखा, बहुत सारी बातें, अगर केस देखा हुआ है, घर जाके एक बार रिवाइज के एग्जाम के एक दिन पहले ओवरव्यू किया हुआ है तो क्लिक होता ही है। आपको पढ़ने के बाद में सालों साल याद नहीं होना चाहिए, कल तक याद रहना चाहिए। अगर आप अगले दिन तक याद रख सकते हैं तो एग्जाम को आप जीत सकते हैं, बस उतना ही याद रहना चाहिए। तो बहुत यहां पे दो प्रॉब्लम है। नंबर वन, एसए 220 में लिखा है कि अगर क्वालिटी को मेंटेन करना है तो असाइनमेंट का सबसे पावरफुल, सबसे नॉलेजेबल, सबसे एक्सपीरियंस्ड बंदा, सबसे नॉलेजेबल, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे पावरफुल बंदा एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर ने जिम्मेदारी उठानी चाहिए क्वालिटी की, क्वालिटी मेंटेन करने की। उसने पूरे टीम को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी मेंटेन करना ही पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन अलाउड नहीं है, और खुद ने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ठीक है, और पूरे टीम को डायरेक्शन बताना चाहिए, और उसने पूरे असाइनमेंट में सफिशियंटली इन्वॉल्व्ड रहना चाहिए। एज पर ऐसे 220 एंगेजमेंट पार्टनर शुड बी सफिशियंटली इन्वॉल्व, क्वालिटी की जिम्मेदारी उठानी है, लोगों को डायरेक्ट करना है, दिशा दिखानी है, उनका काम है। यहां पे तो असाइनमेंट में एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व्ड ही नहीं है, तो गलती नंबर एक, एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व नहीं रहना इज नॉन कंप्लायंस ऑफ एसए 220, 220 का नॉन कंप्लायंस है। इज दिस पॉइंट क्लियर? हेलो हेलो, ये बात समझिए सर। यस नो, यस नो। दूसरा, दूसरा मुद्दा है, ऐसे में लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आना स्वाभाविक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता ही है, टीम मेंबर्स के बीच में आ सकता है, टीम मेंबर और जो EQCR आता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, उनके बीच में कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, कंसल्टेंट्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, एक्सपर्ट के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल सी बात है।
अब अगर ये इतनी सिंपल इतनी नॉर्मल सी बात आता ही है बोले, तो बोले क्या करना है, फर्म के अंदर पहले से प्री डिसाइडेड पॉलिसी होनी चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप तीन हिस्सों में बांट दो, टैक्स के मैटर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मैटर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फ्रॉड के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड अदर, चार इसमें बांट दो। फर्म की पॉलिसी तय होनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को चार हिस्सों में बांटेंगे, चार चारों के चार एक्सपर्ट पार्टनर्स है, उसके पास मामला लेके जाया जाएगा, वो पार्टनर जो तय करेंगे वो फाइनल होगा। अगर पार्टनर बोलता है मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, तो पार्टनर्स की मीटिंग होगी और वोटिंग होगी, वोटिंग के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। हर फर्म में पॉलिसी होनी चाहिए और वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके हर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करना चाहिए। यहां पे तो वो मैनेजर सुनने को ही नहीं तैयार, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सुनने को ही नहीं तैयार। मतलब फर्म की कोई पॉलिसी नहीं है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करने की, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व नहीं किया जाता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सप्रेस किया जा रहा है, तो ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत, ये दो बातें गलत हो रही है। एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व करने के लिए पॉलिसी नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन तो है ही नहीं, तो ये दो बातें गलत है। इट्स अ नॉन कंप्लायंस ऑफ एसे 220, 220 का नॉन कंप्लायंस है। बात समझिए, सब अंडरलाइन कर ले रही है, कर लीजिए। दोनों का रेफरेंस दे सकते हैं। फिर अगला केस May 18 मॉक टेस्ट में आया हुआ है, RTP प्रैक्टिस मैनुअल में है, बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, एक होनहार बुद्धिमान शक्तिमान चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने पूरा काम अच्छे से किया, लेकिन साइन करने के जस्ट पहले उनका स्वर्गवास हो गया, ही डाइड। तो दूसरे पार्टनर ने साइन कर दिया बिना रिव्यू किए, बोले बोले मेरे पार्टनर ने चेक किया ही है, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो बिना चेक किए उन्होंने रिव्यू किए उन्होंने साइन कर दिया कमेंट। तो बच्चे इसको प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, CA इन प्रैक्टिस हु इज पार्टनर, करेक्ट, ही कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा कोई CA एक्ट लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पे ऐसे 220 को लगाया गया है। क्या बोला ऐसे 220 में, आपको बता दिया जाए। ऐसे 220 में लिखा है कि अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो सीनियर ने जूनियर्स का काम बहुत अच्छे से रिव्यू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिव्यू। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, रिव्यू के दो मतलब होते हैं। जूनियर जब अपना काम खत्म कर ले और सीनियर जब उसको चेक करे, उसको क्या बोलते हैं? रिव्यू। और चेकिंग ही शॉर्ट में कर देना, वो होता है रिव्यू असाइनमेंट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बात समझ रहे क्या सब? यस नो ओके। तो क्या लिखा है ऐसे 220 में? SA 220 में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी कोई पार्टनर चेंज होता है फॉर एनी रीजन, बंदा डिस्क्वालिफाई हो गया, बंदा इंज्योर हो गया, डेथ हो गई, बंदे को बदल दिया, ठीक है, उसका ट्रांसफर हो गया, किसी भी रीजन से,
किसी भी रीजन से अगर पार्टनर चेंज होता है तो नए पार्टनर को आके अच्छे से पहले रिव्यू करना चाहिए था, और उसमें अब समझाना पड़ता है रिव्यू में क्या करते हैं, व्हाट इज डन इन रिव्यू, रिव्यू में कौन सी बातें की जाती है, वो सीक्वेंस में वहां पे दिया हुआ है। तो ये जो ये 7 बातें समझाएगा उसको नंबर मिलेंगे। बोले बहुत आसान, कॉमन सेंस। नए जो जब भी पार्टनर चेंज होता है तो इनकमिंग पार्टनर ने, न्यू पार्टनर ने आके देखना चाहिए लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से सिस्टमैटिकली ऑडिट को किया गया था क्या। बोले बहुत बढ़िया, किया गया था, सबको फॉलो किया है, बढ़िया। फिर ऑडिट के सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे वो देखने चाहिए, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, कौन सी बड़ी बड़ी गलत, कौन सी बड़ी बड़ी रिस्क थी, रिस्क से कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां मिली, कहाँ कहाँ पे मेरे को रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, बड़ी रिस्क क्या थी, रिस्क से निकलती हुई बड़ी गलतियां क्या थी, गलतियों की रिपोर्टिंग क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर्स चेक करना है। सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन से थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स में कंसल्टेशन लिया गया क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स, व्हाट इज डिफरेंस कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट्स, नहीं कंसल्टेंट भी एक ही चीज, एक ही इसका उसमें भी एक ही फील्ड का उसको अच्छा नॉलेज है। हाँ, इन हाउस आउट हाउस। नहीं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस खेल लिया आपने मैडम। ओके। क्या फर्क है सीध, मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ जब बंदा चेक करता है, जब वो 10 पेपर चेक करता है तो वो फिर से एक बार सजेस्ट, क्योंकि उसके खुद के कौन से भूल जाते हैं। 10 पेपर पढ़ने के बाद बोले इतनी सारी बातें पढ़ ली मैंने, चेंज ऐसी। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है, अब तो ऐसे ही मजे ले रहा था। देखो जो बात बोले, ओके, डिफरेंस इज बोथ आर नॉलेजेबल पीपल। कंसल्टेंट से हम लोग सिर्फ एडवाइसेस लेते हैं, एक्सपर्ट काम भी करता है। कंसल्टेंट से वी टेक ओनली एडवाइजरी, एक्सपर्ट कम्स एंड ही वर्क्स ऑल्सो, वो खुद काम करता है चेकिंग का, एग्जामिनेशन का, सम पार्ट इज डन बाय हिम। ये दोनों में फर्क है, ध्यान दें। वंस अगेन, रिव्यू क्या करना है, पहले काम रिव्यू, आगे क्या देखना है कि क्या हम, क्या ऑडिट का काम शुरुआत से क्या आखिर तक किसके पता है, इस पर लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दूसरा क्या समझना है, सिग्निफिकेंट मैटर्स, कौन सी बड़ी रिस्क थी, रिस्क से कौन सी गलती मिली, कौन सी रिपोर्टिंग, सिग्निफिकेंट मैटर्स देख लेने। फिर जितने सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसमें अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया गया क्या, जहां पर भी जरूरत थी कंसल्टेशन। फिर क्या कंक्लूजन सोच समझ के सही बनाए और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया, एक फ्लो में सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन हुआ क्या, क्या आखिरी में हमको लग रहा है वी हैव कलेक्टेड सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या हमने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया क्या, जो हम बोलना करना चाहते थे, जो बोलना चाहते थे उसके सब ऑब्जेक्टिव अचीव किया क्या, आखिरी में आर वी सपोज टू रिवाइज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, क्या हमको अभी क्या कोई ऑडिट प्रोसेस को रिवाइज करके फिर से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है क्या। ध्यान देंगे, बहुत आसान है, यही रिव्यू में होता है। इनकमिंग पार्टनर आके भी वही चीजें करने वाला है, बहुत आसान। इनकमिंग पार्टनर को आकर देखना है, नंबर 1 क्या देखेंगे, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट हुआ क्या, फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स, उसमें कंसल्टेशन, उसमें प्रॉपर कंक्लूजन एंड डॉक्यूमेंटेशन, आखिरी में सफिशियंट एविडेंस, ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव, एंड वेदर देर इज नीड ऑफ चेंजिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड री परफॉर्मिंग इट, ये देखना पड़ेगा। बात समझ रहे सब। और फिर उन्होंने एक बेसिक बात भी की है, ऑडिट में वी कैन डेलीगेट वर्क, वी कैन डेलीगेट वर्क, बट वी कैन नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ऑडिट का काम हमारे जूनियर्स, हमारे असिस्टेंट, हमारे एम्प्लॉयज, आर्टिकल सबको दे सकते हैं, लेकिन शर्त है वी शुड बी केयरफुल। जब हम सामने वाले को काम दे उसको पहले समझाओ, डायरेक्शन दो,
सुपरवाइज करो, काम होने के बाद उसको क्या करो, रिव्यू करो, केयरफुल रहिए, ठीक है, केयरफुल हमको रहना है। तो उसके हिसाब से भी अगर हम किसी और का काम ले यूज कर रहे हैं तो हमने केयरफुली रिव्यू करके उसको यूज करना चाहिए था। तो एज पर एसए 220 रिव्यू करना चाहिए था, नहीं किया। बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी रिव्यू करना चाहिए था, नहीं किया। इसीलिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एसए 220 फॉलो नहीं किया है। देयर इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ एसए 220। बात समझी क्या सब? अरे हवा लगी क्या? कौन सा ऐसे पढ़ रहे? 220। पहला क्वेश्चन क्या था? दो पॉइंट पे था। कौन सा? एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बराबर रिजॉल्व नहीं किया गया। दूसरा क्वेश्चन था इनकमिंग पार्टनर ने अच्छे से रिव्यू करना चाहिए, फिर ही साइन करना चाहिए। इस पॉइंट क्लियर? कृपया करके इस पे प्रोफेशनल एथिक्स ना लगाए। सर क्या लग नहीं सकता? लग सकता है, लेकिन आपको दिख रहा है ना इंस्टीट्यूट ने उसको ऐसे के हिसाब से जवाब लिखा है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कि आप क्वेश्चन देख के खाना बनाओगे। ऑडिट में जैसे ही क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है क्या? देखा है, वहां से मैच हो गया, वो कंटेंट लिखना है। मैच नहीं हुआ तो फिर बैठ के खाना बनाना शुरू करना पड़ता ऐसे क्वेश्चन बाद में। फिर नाउ ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा, नवंबर 18 मॉक टेस्ट, मई 18 मॉक टेस्ट में आया हुआ है। तड़प रहा है ये भी आने के लिए, मौका ही नहीं दे रहे, ध्यान देंगे। क्या लिखा है यहां पे? लिस्टेड कंपनी है साहब। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी है, 5 साल पहले। पूरी कहानी तो इतनी बांटते ये लोग, पूछो नहीं। बराबर, ध्यान देंगे। तो मैं मुद्दे पे आता हूं। एसए 220 के हिसाब से सभी लिस्टेड कंपनीज में, सभी लिस्टेड कंपनीज में EQCR मैंडेटरी है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एक नॉन टीम मेंबर को बुलाइए और उनसे अपना काम एक बार चेक करवाइए कि हमने काम बराबर किया है कि नहीं किया है। इसके अलावा फर्म की पॉलिसी के हिसाब से अगर और भी किसी का रिव्यू होना चाहिए तो उसको भी लगेगा। अगर फर्म की पॉलिसी है, सपोज जो भी क्लाइंट का टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर जाएगा उसका भी EQCR होना चाहिए, तो वो होगा। तो एज पर एसएस 220 लिस्टेड कंपनी उसका EQCR होना चाहिए और फर्म की पॉलिसी में जो लोग कवर होते हैं उसका भी EQCR होना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? एग्जैक्टली, ऐसे ही होता है। जनरली दूसरा पार्टनर आता है, लेकिन जरूरी नहीं है, बाहर से भी बंदा आ सकता है। ही शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सीए होना चाहिए, बाहर से भी बंदा आ सकता है। तो लिस्टेड कंपनी में और जो फर्म के पॉलिसी में कवर होते हैं उनके लिए क्या मैंडेटरी है? EQCR। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि पहले रिपोर्ट साइन हुई और फिर EQCR हुआ, क्या मतलब है? नहीं, मतलब क्या है? तो ये गलत है बोले तो। साफ साफ लिखा है, अब सुनो क्या लिखा है। एसए 20 में लिखा है लिस्टेड कंपनी और जो फर्म के पॉलिसी में कवर होते हैं उनका क्या होना चाहिए? EQCR। फिर उसमें लिखा है तीन सिंपल बातें। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेवारी है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? अगर EQCR एप्लीकेबल है तो रिव्यूअर को अपॉइंट करना, रिव्यूअर को अपॉइंट करना। EQCR करने के लिए रिव्यूअर कौन होगा? एक अच्छे बंदे को सिलेक्ट करके उसको अपॉइंट करना किसकी जिम्मेदारी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। भाई अपॉइंटमेंट करवाइए। अपॉइंट करने के बाद उसके समक्ष सिग्निफिकेंट मैटर्स पेश करना कि भाई साहब ये सिग्निफिकेंट मैटर्स है, ये बड़ी बड़ी रिस्क थी, ये उसमें स्टेटमेंट मिले, ये उसमें हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये उसको प्रेजेंट करना चाहिए। सारे सिग्निफिकेंट मैटर उसको बताना चाहिए, जितने सवाल वो पूछे उसका जवाब देना चाहिए। और
जब तक सामने वाला बंदा EQCR को कंप्लीट ना कर ले तब तक ऑडिट रिपोर्ट डेट नहीं करना चाहिए। डेट मतलब साइन करना, नहीं तो हमारी जनता अलग डायरेक्शन में भागेंगी। वैसे CA स्टूडेंट्स के जीवन में कुछ बचता नहीं है, CA डेबिट, एवरीथिंग एल्स क्रेडिट। तो अगर EQCR एप्लीकेबल है तो किसकी जिम्मेदारी है? एंगेजमेंट पार्टनर। ये जो तीन बातें हम लोग पढ़ रहे हैं ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है, ये एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साफ साफ लिखा है कि पहले रिव्यू खत्म होगा, उसके बाद पहले रिव्यू खत्म होगा उसके बाद में साहब साइन होगा। तो आपने किसका नॉन कंप्लायंस कर दिया? 220 का नॉन कंप्लायंस कर दिया। फिर 700 में भी लिखा है, बोले ऑडिट रिपोर्ट बनाइए, ऑडिट रिपोर्ट बनाइए, ओपिनियन बनाइए, उसको साइन करिए, लेकिन साइन करने से पहले सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा कर लेना चाहिए। EQCR या सफिशिएंट EQCR से, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से चीजों को चेक करवाना, ये भी एक तरह का भाई अश्योरेंस है कि मैंने काम बराबर किया है। ऐसे 700 में लिखा है कि भाई साहब अपना ओपिनियन देने से पहले सारी ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्लीट कर लो। आपने EQCR की प्रोसीजर को कंप्लीट किया नहीं है तो ऐसे 700 का भी नॉन कंप्लायंस है। बात समझ रहे साहब? 220 में लिखा था पहले करो, उसका नॉन कंप्लायंस है। 700 में था सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट करो, सारे सबूत इकट्ठा कर लो, वो भी आपने नहीं किया, उसका भी नॉन कंप्लायंस है। और ऐसा करना चाहिए, उसका एडवांटेज दिया है। अगर कोई भी गलती रह जाती है तो जल्दी पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो नॉन कंप्लायंस है दो स्टैंडर्ड का, एंगेजमेंट पार्टनर ने गलती की है। इस पॉइंट क्लियर? लिस्टेड, सभी लिस्टेड कंपनीज में EQCR लगता है, प्लस जो कंपनी जो फर्म के पॉलिसीज में कवर हो। यस, मैंडेटरी है। क्यों, आपको याद आ रहा है? मैं तो ऑडिट पे हमने किया, बोले लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कुछ तो ऐसा हुआ नहीं, ऐसा याद आ रहा है आपको? अच्छा, नहीं मतलब कभी कभी होता है लेकिन आर्टिकल को पता नहीं होता है कि ऐसा भी हुआ था। ओके, मतलब ये स्टैंडर्ड में तो इतना दिल आया हुआ इंस्टीट्यूट का, May 19 RTP, November 19 मॉक टेस्ट में फिर एक क्वेश्चन आके रखा है, फिर EQCR। क्विकली, हम लोगों ने पहले कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ा था? ऐसे 210, अभी क्या पढ़ रहे? 220। क्वालिटी कंट्रोल की बातें, उसमें केसेस हम लोग देख रहे हैं। पिछला केस था कि भाई साहब आपने साइन करना नहीं चाहिए था, जब तक क्या कंप्लीट नहीं होता, EQCR कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इस पॉइंट क्लियर? नाउ फिर से लिस्टेड कंपनी है मतलब क्या लगेगा इसमें? EQCR, EQCR लग रहा है। ठीक है, EQCR। अब वो रिव्यूअर जो आ रहा है वो बोलता है मैं इंडिपेंडेंस के डॉक्यूमेंट्स भी देखना चाहता हूं। किसके डॉक्यूमेंट्स? इंडिपेंडेंस के। मैं ये देखना चाहता हूं क्या CA फर्म और उसकी टीम इंडिपेंडेंट और एथिकल थी। आई वॉन्ट टू सी दीज थिंग्स। तो एंगेजमेंट पार्टनर बोलता है ज्यादा उछल मत, इंडिपेंडेंस देखना मेरी जिम्मेदारी है, मैंने देख लिया है, तू साइन कर और निकल। तो वो बोलता है मैं नहीं करूंगा साइन, तुमने मुझे इंडिपेंडेंस के डॉक्यूमेंट्स नहीं, तुमने मुझे ये प्रूव नहीं करवाया कि तुम और तुम्हारी टीम कैसे इंडिपेंडेंट है।
तो ऐसा है, कौन सही है, एंगेजमेंट पार्टनर सही है कि ईक्यू सीआर सही है? ठीक है, ध्यान देंगे। नाउ सबसे पहले एसे 220 में क्या लिखा है? एसे 220 में लिखा है क्वालिटी अगर मेंटेन करनी है तो एंगेजमेंट पार्टनर उसकी टीम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्या जी साहब? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यस नो? अब इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट है कि नहीं? बोले कैसे चेक करना? बोले बहुत आसान है। नंबर वन, वहां पे देखो लिखा भी है, ऑप्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ऑप्टेन रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपकी फर्म में, करेक्ट? आपके फर्म में आप जानकारी इकट्ठा करो, सबसे पूछो, जैसे प्राइस वाटर हाउस में ऐसा होता था, काफी सारे फर्म्स में होता है। जब भी कोई नया असाइनमेंट मिलता था, मेल आता था, मुझे काफी समय तक फर्स्ट ईयर में ऐसा लगता था कि नया असाइनमेंट मिला, खुशी की बात है, इसलिए मेल किया पूरे फर्म को। तो फिर सेकंड ईयर में मौका मिला कि बोले अब वो मेल तुमको ड्राफ्ट करना है। क्या बात कर रहे हो, बधाई वाला? अरे बोले बधाई नहीं होती उसमें, कभी ओपन करके पढ़ा है? तुम टाइम कहाँ देते हो पढ़ने का, पढ़ लेते हैं। तो उसमें पूछते हैं कि हमको नया असाइनमेंट मिला है, क्या किसी के पास इसके शेयर्स है? क्या क्या किसी के पास इसके शेयर्स है? क्या क्या किसी के रिलेटिव यहाँ पे बड़े पोजीशन पे काम करते हैं? क्या क्या कोई यहाँ का पास्ट एम्प्लॉय है? क्या कोई बिजनेस रिलेशन है? क्या कोई बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? क्या वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं? तो बहुत सिंपल है, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कि क्या कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है क्या। सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे, टीम के पास में शेयर्स है क्या? टीम में रिलेटिव्स है क्या? वही शेयर्स है तो फिर दिक्कत वाली बात है, रिलेटिव है दिक्कत वाली बात है। शेयर्स, रिलेटिव, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस रिलेशनशिप लिखा है। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंस को इंप्लीमेंट करना, उसके लिए पहले जानकारी इकट्ठा करो। ऐसा कोई रिले कोई बंदा फाइनेंशियली लीगली पर्सनल लेवल पे डिपेंडेंट है क्या क्लाइंट के ऊपर? दूसरा, इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, किसी के पास में शेयर्स है, किसी का रिलेटिव क्लाइंट में काम करता है, कोई पास्ट एम्प्लॉय है, इवैल्यूएट द सिचुएशन। कितने शेयर है? बोले एक शेयर है। बढ़िया, एक शेयर है। कोई बोलता है 10% शेयर है, भाई बहुत बड़ी बात है, 10% शेयर है तेरे पास। इवैल्यूएट द सिचुएशन, इवैल्यूएट करो कि कितना ज्यादा डिपेंडेंस है फाइनेंशियली लीगली पर्सनली, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। बहुत ज्यादा शेयर है साहब, एक काम करिए, या तो ये शेयर्स बेच दीजिए, या तो ये टीम से बाहर हो जाइए। या तो शेयर्स बेच दो और इस टीम में काम करो, नहीं तो ये टीम से बाहर हो जाओ, आप यहां पे काम नहीं कर सकते। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, शेयर बिकवा दो, नहीं तो टीम से बाहर कर दो। ठीक है, या फिर हो सकता है आप पास्ट एम्प्लॉय हो, कौन से रीजन में काम किया था आपने? साउथ में? सीनियर मैनेजर को बोलो इसको साउथ में मत भेजना, साउथ को छोड़कर नॉर्थ में किधर भी घुमाओ इसको, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा साउथ में। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी शेयर्स बिकवा देना, अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी उसको एक दूसरा काम दे देना, अप्रोप्रिएट एक्शन कैन बी अरे तू रिलेटिव है इसका, थोड़ा डिस्टेंट ठीक है काम कर, तेरा सुपरविजन थोड़ा ज्यादा करेंगे, सुपरविजन बढ़ा देना। बात समझ रहे? यस, एसे 220 के हिसाब से इंडिपेंडेंस मेंटेन करना है और एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू फर्म एनी इनएबिलिटी टू रिजॉल्व द मैटर। जहां पे उसके हाथ से बात निकल जाए कि मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, मैं एक्शन लेके उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो फॉर्म को बताना, फॉर्म एक्शन लेगा। ठीक है, फिर रिव्यू करवाना भी किसकी जिम्मेदारी है? एंगेजमेंट इंडिपेंडेंस देखो मेंटेन करना है, रिव्यू भी करवाना है। नाउ लिसन, अब इंडिपेंडेंस मेंटेन करना प्राइमरीली किसकी जिम्मेदारी है?
एंगेजमेंट पार्टनर की, ठीक है, लेकिन ऐसे उसी ऐसे में लिखा है जो रिव्यूअर आएगा, रिव्यूअर जो आएगा लिस्टेड कंपनी में उसकी जिम्मेदारी है, खास ध्यान देना, खास इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि एंगेजमेंट पार्टनर और उसकी टीम इंडिपेंडेंट थी कि नहीं थी। लिस्टेड कंपनी बहुत बड़ी होती है, डू यू अग्री विथ मी? यस नो? बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, डू यू अग्री विथ मी? बहुत सारे शेयर होल्डर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सप्लायर्स जुड़े हुए हैं। इस माहौल में हो सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन बने रहे। इंडिपेंडेंस इज अ चैलेंज, इंडिपेंडेंस इज अ चैलेंज। इसलिए ऐसे 220 में लिखा है अगर लिस्टेड कंपनी है तो EQCR वाले बंदे ने आकर खास ध्यान देना चाहिए कि पार्टनर और उसकी टीम इंडिपेंडेंट थी कि नहीं थी। तो बोला ऐसे 220 में दोनों को बोला है, बेटा प्राइमरी जिम्मेदारी तेरी है और उसको चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? EQCR की। तो पार्टनर का ये बोलना कि मैं सब करूंगा, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंड सही नहीं है। पार्टनर को भी इंडिपेंडेंस मेंटेन करवाना है और EQCR वाले को आके उसको चेक करना है। बात समझी क्या सब? तो इंडिपेंडेंस इतनी बड़ी चीज है, दोनों की जिम्मेदारियों में आता है। किसके? एंगेजमेंट पार्टनर के भी जिम्मेदारी में आता है और EQCR के जिम्मेदारी में भी आता है। और लिस्टेड कंपनी में तो खास इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना पड़ता है। तो पूरे डिटेल्स मतलब इतनी इंफॉर्मेशन कि आजकल शेयर ट्रेडिंग जो है, तो आप बता रहे ऑडिटर्स की जो टीम में, ऑडिटर्स के टीम में जो मेंबर्स है वो और उनके रिलेटिव्स, जो इमीडिएट रिलेटिव्स है, सबके पैन कार्ड के डिटेल्स दे गो टू सेबी, तो सेबी ट्रैक रख सकता है भाई ये पैन कार्ड नंबर से शेयर्स में ट्रेडिंग तो हो नहीं रही है। दैट मीन्स अगर ऐसा है तो दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, इन्वॉल्व विद द कंपनी। ध्यान देंगे साहब। दो ऐसे खत्म हुए, कौन सा था पहले? 210, फिर कौन सा था? 220। और 220 तो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है इस बार, मतलब इतने MTP RTP में नए नए क्वेश्चन घुमा रहे हैं वो लोग, और अब समय आ गया है उनका एग्जाम में उतरने का। कॉन्सेप्ट नंबर 13 पे आइए। ऐसे 240 में ये पुराना क्वेश्चन है, पहली बार 10 साल पहले आया था। ओके, ध्यान देंगे। नाउ लिसन, ऐसे 240 एसेट 240 का ये जो क्वेश्चन काफी समय से है, नवंबर 09 से, और फिर RTPs, MT स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल में घूम रहा है, फिर 17 एग्जाम में भी आया था, 18 मॉक टेस्ट पेपर में, लेकिन रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट फ्रॉड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जो आंसर है ये देसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, नॉट एग्जैक्टली एज पर ऐसे 240। 240 का लेकिन रेफरेंस देना है एज पर ऐसे 240। क्या स्टैंड आंसर है, क्या बताना है आपको? बहुत आसान है। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट जब फ्रॉड करता है तो उसको मैनेजमेंट फ्रॉड बोलते हैं। वो उसको कैसे करता है? बाय ओवरराइडिंग कंट्रोल्स। वो सिस्टम को बाईपास करके फ्रॉड कर सकते हैं। सिस्टम में लिखा हुआ था जितने चेक इशू होते हैं उसको रजिस्टर में नोट करना, हो सकता है वो उसको रजिस्टर में नोट ना करे, सिस्टम को वो ओवरराइड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस करके, ये फिर मिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करके बेवकूफ बनाया जा सकता है। सर कैसे?
कंपनी ने लोन दिया एक ट्रस्ट को, ट्रस्ट ने आगे पैसे दिए एक इंडिविजुअल को, वो इंडिविजुअल ने ही कंपनी से माल खरीद दिया, पैसे वापस कंपनी में आ गए, लेकिन टर्नओवर बढ़ा करके दिख गया, कंपनी का ही पैसा है, कंपनी के पैसे से ही कंपनी का सेल हो रहा है और टर्नओवर को बढ़ाया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो मैनेजमेंट कैन डिजाइन अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन और बाहर वालों को समझ में ही ना आए कि ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की मदद से कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। जब टॉप लेवल का मैनेजमेंट फ्रॉड करता है तो उसको मैनेजमेंट फ्रॉड बोलते हैं। हो सकता है वो सिस्टम को बाईपास करे, तोड़ दे, या इतने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करे जो बाहर वालों को समझ में ना आए। दूसरी बात, फिर वो समझाते, एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड्स, एम्प्लॉयज जो जूनियर छोटे लेवल के एम्प्लॉयज है, वो लोग जो फ्रॉड करते वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पे होते हैं, एसेट की चोरी करने की कोशिश करते। टॉप मैनेजमेंट के लोग जनरली एसेट की चोरी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने की बात करते। एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड्स को पकड़ना आसान है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट के फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारे पावर्स है, उसको कंसील वो कर सकते हैं। तो पहले मैनेजमेंट फ्रॉड की जानकारी दी, वो कैसे करते वो बताया, फिर बताया मैनेजमेंट फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड, फिर बताया ठीक है, ऐसे तो खुद TCWG और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिवेंट डिटेक्ट फ्रॉड, प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट फ्रॉड्स, खुद ये उनकी जिम्मेदारी है कि चीजों को प्रिवेंट किया जाए, और ये ध्यान रखना भी उनकी जिम्मेदारी है क्या कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, उनकी जिम्मेदारी है। ऑडिटर क्या कर सकता है, बोले बोले अब ये सिचुएशन में जहां पे मैनेजमेंट का राज चल रहा है पूरी तरीके से, ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर केयरफुल रह सकता है, ऑडिटर कैन बी केयर, ऑडिटर केयरफुल रहेगा, अपने ऑडिट को अच्छे से प्लान करो विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अच्छी प्लानिंग करके एविडेंस इकट्ठा करो और पता लगाने की कोशिश करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। लेकिन ऑडिटर कितनी भी कोशिश कर ले वो गारंटी दे नहीं सकता, बिकॉज देर आर इनरेंट लिमिटेशन, इनरेंट रिस्क इन दी ऑडिट, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन और मैनेजमेंट के सिस्टम्स पे, तो सारे फ्रॉड्स पकड़ के लाएंगे उनके, ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे के साहब, क्विकली तो आपको एक ऐसे बिल्डअप करना है, पहले आप बताएंगे व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट फ्रॉड, मैनेजमेंट फ्रॉड कैसे किया जाता है, फिर आप बताएंगे कैसे मैनेजमेंट फ्रॉड ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड, जबकि फ्रॉड पकड़ना खुद किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की। अब फिर ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, सतर्क रह के स्केप्टिज्म करके अच्छे सबूत इकट्ठा करना वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, लेकिन वो गारंटी दे नहीं सकता। अब ध्यान देंगे तो पहले दो पॉइंट मैनेजमेंट फ्रॉड को समझा रहे, फिर तीसरा पॉइंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाता है, चौथा और पांचवा पॉइंट किसकी जिम्मेदारी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाता है। अब सिक्स और सेवन पॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर कंपनी लॉ, हम जानते हैं फ्रॉड रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, इफ इट इज एक्सीडिंग 1 करोड़ किसको रिपोर्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ इट इज लेस देन 1 करोड़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी, तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि ये जिम्मेदारी है एज पर कंपनी लॉ। और फ्रॉड के बारे में पता चला तो कारो के क्लॉज नंबर 10 में भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप ये लिखेंगे, मैनेजमेंट फ्रॉड को आप समझाएंगे, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को समझाएंगे, ऑडिटर की जिम्मेदारी को समझाएंगे, फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी एज पर कंपनी लॉ समझाएंगे, तो आपका आंसर रेडी होता है। अगर आप इस तरीके से आंसर को दिमाग में फिट करेंगे कि भाई ये ब्रॉड एरियाज है जो मुझे लिखने हैं, करेक्ट, तो बात बनेगी। और मैंने आपको बताया कि ये आंसर एग्जैक्टली एज पर एकदम जो प्योर ऐसे है उसके हिसाब से नहीं है, पुरानी थ्योरी है उससे बना हुआ है।
नाउ अब मैं आपको अगले 6 क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड आंसर है, और इसी में बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है जब वो प्रैक्टिस मैनुअल पढ़ते हैं, खासकर ऐसे 240 में। अब एक मैंने कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड आंसर बनाया जो आप 6 जगह एक ही आंसर लिखोगे। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर एक्चुअल फ्रॉड, सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर एक्चुअल फ्रॉड, तो आपको ये स्टैंडर्ड आंसर लिखना है। सर कैसा होता है सस्पेक्टेड फ्रॉड एक्चुअल फ्रॉड, ऐसे एक एक करके। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आना, बहुत बड़ा एरर आना सडनली। सर क्वेश्चन में एरर लिखा है, मानता हूं क्वेश्चन में एरर लिखा है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस आना, इतना बड़ा एरर आना, मतलब दाल में कुछ काला है, इट इज अ सस्पेक्टेड फ्रॉड, ऐसा इंस्टीट्यूट ने माना है। अब एक बार हमको पढ़ा है तो हमको याद रहना चाहिए। फिर और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले सिर्फ देखते थे क्वेश्चन। 14 नंबर मार्क किया आपने, 15। फिर सबको कंट्रोल अकाउंट समझता है क्या, समझता है क्या भाई कंट्रोल अकाउंट? यस नो? बचपन में आपने पढ़ा है लेजर के 3 हिस्से होते हैं, डेटर्स लेजर, फिर क्रेडिटर्स लेजर, जो बच गया कहां पे जनरल लेजर। अरे बचपन में सेल्फ बैलेंसिंग लेजर पढ़ाना, अरे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, लेजर के 3 टुकड़े होते हैं, डेटर के सारे अकाउंट्स डेटर्स लेजर, क्रेडिटर के सारे अकाउंट क्रेडिटर्स लेजर, जो बच गए वो जनरल लेजर। यस नो? कैसा कैसा होगा, बराबर हो जाए, ध्यान दो, नहीं ठीक है ऐसे ही मजा दे रहता है। तो जनरल लेजर जो आपका है उसमें डेटर्स अकाउंट की कमी है, यस नो? और क्रेडिटर्स अकाउंट की कमी है, जनरल लेजर टैली नहीं होता, यस नो? वो टैली हो डेटर्स की कमी पूरा करने के लिए अकाउंट बनाते हैं, डीएलए, डेटर लेजर एडजस्टमेंट, याद आ रहा है क्या? क्रेडिटर्स की कमी पूरा करने के लिए अकाउंट बनता है, सीएलए, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट। इतना ध्यान रखो, सारे डेटर्स की एक साथ मंथली एंट्रीज होती है डीएलए और सीएलए में, समझ रहे क्या सब? जो डीएलए अकाउंट है उसका बैलेंस और डेटर्स लेजर का बैलेंस आपस में क्या होता है, मैच। सीएलए और क्रेडिटर्स लेजर का है वो भी आपस में क्या होता है, मैच। बात समझ रहे? अरे जवाब तो दो, लेजर कितने टुकड़े करते हैं, 3, कौन सा? डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर और जनरल लेजर। जनरल लेजर में किसकी कमी है, डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स की कमी पूरा करने के लिए क्या बना, डीएलए, और क्रेडिटर्स के लिए सीएलए। ये जो डीएलए होता है अल्टीमेटली किससे मैच होता है, डेटर्स से, सीएलए किससे मैच होता है, क्रेडिटर्स से, बराबर? यस नो? अब ये जो डीएलए और सीएलए है ये एक्यूरेसी, अब ये इस लेजर को टैली करवाते हैं, इस लेजर को टैली करवाते, इसलिए उनको कंट्रोल अकाउंट्स बोलते हैं। ऐसे अकाउंट्स जो लेजर को टैली करवाते हैं, जो लेजर की कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी को एंश्योर करवाते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, उसको बोलते हैं कंट्रोल अकाउंट्स। समझा क्या? अरे यस नो? अब ये लोग बोल रहे हैं तो कंट्रोल अकाउंट का पहले मतलब समझाना पड़ा, और ये कंट्रोल अकाउंट बहुत जगह वर्ड आता है, पता होना चाहिए। तो अगर, और सुनो, जब भी आप लेजर को कभी स्प्लिट करोगे किसी भी अकाउंट को, तो वैसे आपको हर बार लेजर को वापस बैलेंस करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, कंट्रोल अकाउंट। जैसे अभी किसके लिए बना, डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए। तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इन्होंने, ठीक है, इन्होंने, इनके बुक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है कंट्रोल अकाउंट में, बहुत बड़ा डिफरेंस है कंट्रोल अकाउंट में और सब्सिडरी लेजर्स में, मतलब सब्सिडरी लेजर, डेटर्स लेजर, डेटर्स लेजर में, किसमें साहब, डेटर्स लेजर में और कंट्रोल अकाउंट, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है। सस्पेक्टेड फ्रॉड क्या ही है, सस्पेक्टेड फ्रॉड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, क्या है, सस्पेक्टेड फ्रॉड। कंट्रोल अकाउंट्स में और सब्सिडरी लेजर में बैलेंस मिसमैच हो रहा है, वापस क्या है, सस्पेक्टेड फ्रॉड।
फिर 16 नंबर, आई ओ यू समझता है क्या भाई? आई ओ यू, आई ओ यू क्या होता है? आई एल यू पता है बोले? आई ओ यू कैसा? ध्यान देंगे, पेरेंट कंपनी है उसका कैशियर बैठा है, सब्सिडरी कंपनी कैशियर था, अरे साहब मेरी कैश खत्म हो गई आज, अर्जेंट पेमेंट करने मेरे को 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए दे दो, मैं एक पेपर पे लिख कर देता हूँ ऊपर डिटेल में कि मैं आपके पास आया था इमरजेंसी फंड्स के लिए, 1 लाख रुपए लेके गया, कल मैं आपको लौटा दूंगा, मेरा नाम सिग्नेचर स्टैंप मैं मार के आपको देता हूँ एक चिट्ठी, आप 1 लाख कैश की जगह आपके कैश बॉक्स में चिट्ठी डाल दो, कल मैं पैसे दूंगा, वो चिट्ठी हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो कभी कभी कैश बॉक्स में पैसों के जगह आई ओ यू दिखता है कि समवन ओज कंपनी मनी, समझ रहे क्या? यस नो? छोटे मोटे अमाउंट का आई ओ यू होना इज एब्सोल्युटली फाइन, उसका 1-2 दिन में कैंसल हो जाना एब्सोल्युटली फाइन, चलता है ये, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करना पड़ता है। हम नहीं हेल्प करेंगे हमारे सब्सिडरी को तो कौन करेगा? बात समझ रहे क्या साहब? लेकिन अगर ये बोल रहे हैं कि 2 करोड़ का कैश बैलेंस है, 2 करोड़ का बैक कैश, 2 करोड़ का कैश बैलेंस है, 2 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख का, उसमें 2 करोड़, 2 करोड़ आईओयू है, मतलब बैलेंस बोल रहे 2 करोड़ 10 लाख, कैश बॉक्स ओपन किया तो सिर्फ 10 लाख ही दिख रहे, बाकी 2 करोड़ की चिट्ठी है बोले सिर्फ, ऐसे 2 करोड़ की चिट्ठी दिखना दाल में कुछ काला है, पैसे गायब हो गए, पैसे चुरा लिए और छुपाने के लिए क्या डाल दिया? आई ओ यू। ऐसा हो सकता है, वापस सस्पेक्टेड फ्रॉड है, ये सबका आंसर एक ही रहने वाला है। फिर ये फेमस नवंबर 18 के आरटीपी में, ठीक है, शेयर मार्केट की पोजीशन बहुत खतरनाक है, पोजीशन है क्या? बराबर ध्यान देंगे, ना लिसन, ध्यान देंगे, फिर एग्जाम में फिर क्वेश्चन है कि कंपनी ने 24 लाख का प्रोविजन किया है, 24 लाख का प्रोविजन किया है फॉर कंसल्टेंसी सर्विस, फॉर कंसल्टेंसी सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस का इन्होंने प्रोविजन करके रखा है, कोई अग्रीमेंट बनाया है, अग्रीमेंट बनाकर कंसल्टेंसी का प्रोविजन बना दिया, कौन सी कंसल्टेंसी, उसका कोई सबूत नहीं, उसके कोई इनवॉइस नहीं, उसके कोई किसी तरह का एविडेंस नहीं कि कौन सी कंसल्टेंसी थी, ये डमी एंट्री लग रही है, फ्रॉडुलेंट एंट्री लग रही है, कंपनी में से पैसे निकालने का फ्रॉड लग रहा है, अगेन इट इज अ सस्पेक्टेड फ्रॉड। फिर कंपनी में फ्रॉड हो चुका है, कंपनी में फ्रॉड हो चुका है, कंपनी ने उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया, क्या करवाया? इन्वेस्टिगेशन, कंपनी ने उसका इन्वेस्टिगेशन करवाया। अब कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन तो करवा दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के साथ शेयर नहीं कर रहे, दे दे बेटा नहीं कर रहे, वापस एक्चुअल फ्रॉड है और एविडेंस भी नहीं दे रहे, गलत बात, टीमिंग एंड लीडिंग है। अब ये तो 14 से लेके 20 तक 7 क्वेश्चन हमने मार्क किए, अब सुन लो इसका आंसर एक ही है, 14 नंबर में उसका आंसर, ध्यान देंगे, लिसन, तो अगर आपको ऐसा दिखा कि कोई भी क्वेश्चन में सस्पेक्टेड फ्रॉड हो या एक्चुअल फ्रॉड हो तो उसका एक ही आंसर जाना है, एक कॉमन आंसर जाना है, और उसके एग्जाम्पल देखे, इन्वेंट्री में बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आना, कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी लेजर में डिफरेंस नजर आना, आईओयू आपका बहुत बड़ा है,
आईओयू आपके कैश के बैलेंस में, प्रोविजन है उसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, फ्रॉड की रिपोर्ट शेयर नहीं करना, टीमिंग एंड रेडिंग ऐसे, इसमें क्या करेंगे? ध्यान देंगे, बहुत आसान सी बात दी है। क्या लिखा है? पहले लिखेंगे एज पर एसे 240, बोल्ड में पूरे आपके समरी दी हुई है। एसे एसे 240 में लिखा हुआ है कि ऑडिट करते वक्त कभी भी अगर हमको पॉसिबल मिसस्टेटमेंट मिला, अगर हमको ऐसा लगा कि मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो हमने देखना चाहिए कि क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है तो तुरंत इमीडिएटली अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ा देना चाहिए, एडिशनल मॉडिफाई करना चाहिए, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स को लगा देना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। उनका कहना है ऑडिट करते वक्त कभी भी अगर पॉसिबल मिसस्टेटमेंट नजर आया तो पहला सवाल पूछो क्या ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। हो सकता है तो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करके क्या लगा दो, एडिशनल प्रोसीजर। फिर उसके नीचे दूसरा पॉइंट, अगर ये एक्चुअल मिसस्टेटमेंट नजर आया तो क्या करोगे? अगर एक्चुअल मिसस्टेटमेंट मिला, सही में गलती मिल गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो पूछना चाहिए इज इट ड्यू टू फ्रॉड, इज इट ड्यू टू फ्रॉड, फ्रॉड का इंडिकेशन है क्या? अगर फ्रॉड का इंडिकेशन है, फ्रॉडुलेंट है, किसी ने जानबूझकर किया है, अगर ऐसा नजर आता है तो फिर इसका इंपैक्ट लेना पड़ेगा ऑडिट पे। इंपैक्ट लेना मतलब क्या? इंपैक्ट लेना मतलब जिस एरिया में ये हुआ है वहां पे और भी फ्रॉड हो सकते हैं। जो बंदे के ऊपर शक है उस पर भरोसा करना बंद कर देंगे, उसने जो जो भी जानकारी पहले दी उस पर भरोसा नहीं करेंगे, सोचेंगे इसके तार मैनेजमेंट से जुड़े हैं क्या, टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है क्या। टॉप मैनेजमेंट अगर इन्वॉल्व है तो पूरे ऑडिट की रिस्क और बढ़ जाएगी, और रिस्क अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हम ऑडिट को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर एक्चुअल मिसस्टेटमेंट मिला, अगर एक्चुअल मिसस्टेटमेंट मिला तब सोचना है इज इट ड्यू टू फ्रॉड। इफ इट इज ड्यू टू फ्रॉड तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या है वो हमको सोचना पड़ेगा, कि भाई कौन से एरिया की रिस्क बढ़ा देनी है, कौन से लोगों पे भरोसा नहीं करना है, वो इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। अब गलती मिलने के बाद क्या करना? एज पर ऐसे 450, गलती मिलने के बाद आप एक काम करिए, आपकी जो मटेरियलिटी लेवल है, आपकी जो मटेरियलिटी लेवल है उसको रीअसेस करिए। क्या करिए उसको? रीअसेस। जब जब ठोकर लगती है आदमी ने खुद को सुधारना चाहिए। जब जब गलती मिलती है तो नए नॉलेज को ध्यान में रख के मटेरियलिटी लेवल को रिवाइज करना चाहिए। एज पर ऐसे 450, मटेरिटी लेवल को पहले क्या कर दो, रिवाइज। वहां पे 450 एंड 320 लिख दो। उन्होंने 320 यूज किया था लेकिन वो लॉजिकल नहीं है, लेकिन क्या करेंगे छोड़ो। एज पर ऐसे 320 एंड 450, जब भी गलती मिली पहले मटेरिटी लेवल को क्या कर दो, रीअसेस। रीअसेस करने के बाद अब देखो कि कौन सी गलतियां इंडिविजुअली या एग्रीगेट में मटेरियल है और कितनी इमटेरियल है। ये सारी गलतियों का रेक्टिफिकेशन जाए किसके पास लेके जाओ, मैनेजमेंट। पहले मटेरियल लेवल को रीअसेस करो, देखो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितने हैं, और वो लेकर किसके पास जाओ, मैनेजमेंट, उनको बोलो रेक्टिफिकेशन करने के लिए। क्या बोलो साहब? रेक्टिफिकेशन कर दिया तो बहुत बढ़िया, चेक कर लो रेक्टिफिकेशन हुआ क्या, नहीं हुआ तो क्वालिफाई एडवर्स देना पड़ेगा। तो अगर आपके दिमाग में फिट बैठना चाहिए, पहले पॉसिबल मिसस्टेटमेंट के बारे में ज्ञान बांटना, फिर एक्चुअल मिसस्टेटमेंट के बारे में ज्ञान बांटना, मिसस्टेटमेंट मिलने के बाद रेक्टिफिकेशन के लिए ज्ञान बांटना, रीअसेस करो मटेरियल लेवल, देखो कितने मटेरियल है कितने इमटेरियल है, और रेक्टिफिकेशन की डिमांड करो। कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं करेंगे तो क्वालिफाई एडवर्स। हवा लगी के भाई, रियस नो। पहले कौन सी बात करेंगे, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, फिर एक्चुअल मिसस्टेटमेंट, फिर रेक्टिफिकेशन। अब उसके बाद कहानी खत्म नहीं, ये कॉमन पॉइंट्स है हर जगह छापने का। अपन ने सारे प्रैक्टिस मैनुअल के आंसर्स को बहुत पढ़ा, रिसर्च किया, देखा, घूम फिर के यही बातें कर रहे हो,
फिर एक कंबाइन आंसर किया जो सब कुछ कवर करता है, और उसको एक सीक्वेंस में लेके आ गए। अब ऐसे 240 में क्या लिखा है पता है आपको? अगर ऑडिट करने के दौरान आपको फ्रॉड्स मिलते हैं या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड्स है, सस्पेक्टेड फ्रॉड्स है और एक्चुअल फ्रॉड है, ऑडिट करने के दौरान अगर सस्पेक्टेड फ्रॉड है या फिर क्या है एक्चुअल फ्रॉड, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, देर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, फ्रॉड मिला, मैनेजमेंट को समझा रहा हूं ये फ्रॉड है, ये कैशियर चोर है, मैं उसको समझा रहा हूं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा, हद हो गई, कैशियर का प्रमोशन हो गया, ये क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूं कि ये फ्रॉड कर रहा है, तुम उसको प्रमोट कर रहे हो। इसको बोलते एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक तो सस्पेक्टेड फ्रॉड है, एक्चुअल फ्रॉड है, और मैनेजमेंट वाहियात पे वाहियात चीजें किया जा रहा है, ना हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ना जानकारी दे रहा है, ना कोई एक्शन ले रहा है, उल्टा अपोजिट काम कर रहा है। ऐसे इसमें हमारा मैनेजमेंट से विश्वास उड़ जाता है, उसको बोलते इनएबिलिटी टू कंटिन्यू। सुनो क्या लिखा है ऐसे में, अगर ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो नंबर 1, क्या मुझे ये सर्कमस्टांसेस किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत है क्या? जैसे कंपनीज एक्ट में अगर फ्रॉड सस्पेक्टेड, रीजनेबल आपको एविडेंस है कि फ्रॉड हुआ है, रीजनेबल एविडेंस है कि फ्रॉड हुआ है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता सेंट्रल गवर्नमेंट को। छोटा है तो कहां तक? सिर्फ मैनेजमेंट तक। अगर आपको ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिखे तो पहले सोचो क्या मुझे ये बात किसी अथॉरिटी इसको इन्फॉर्म करनी चाहिए, इन्फॉर्म कर दो। दूसरा बैठ के सोचो क्या इतनी हालत खराब हो चुकी है कि मैंने विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्या मैंने विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्या हालत इतनी खराब है? अगर मैंने तय किया कि मैंने विड्रॉ कर लेना चाहिए तो फिर विड्रॉ करिए एज पर लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, और विड्रॉल के बाद फिर जाके लोगों को कम्युनिकेट करो, TCWG, मैनेजमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी, सबको जाके कम्युनिकेट करो और बताओ जो जो भी लॉ के हिसाब से लिखा है। जैसे वन सेक्शन 140 में लिखा है, जब आप रिजाइन करते हो, जब आप रिजाइन करते हो तो 30 दिनों के अंदर, ठीक है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कंपनी को, ROC को, गवर्नमेंट कंपनी है तो CNAG को, कि आपने क्यों रिजाइन किया। बोले वो भी इन्फॉर्म करिए। लिसन, अगर एक्सेप्शनल सरकमस्टांसेस, सबसे पहले क्या करेंगे, सोचेंगे ये सरकमस्टांसेस के बारे में किसी को कम्युनिकेट करना है क्या, दूसरा क्या सोचेंगे, विड्रॉ करना है क्या, विड्रॉ कर दिया तो फिर विड्रॉ करते वापस क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे विड्रॉ करके। बात समझ रहे? मतलब पहले भी कम्युनिकेशन, फिर विड्रॉल के बाद सोचो, फिर वापस क्या करो, कम्युनिकेशन। विड्रॉ करना बहुत बड़ी बात है साहब, एकदम बीच में से लोग घबरा जाते विड्रॉल, इसलिए कम्युनिकेशन जरूरी है, उस पर ध्यान दिया। इसको बोलते हैं एबिलिटी टू कंटिन्यू। क्विकली आंसर, पैसे पहले किस कौन से पॉइंट के बारे में सोचेंगे, पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, फिर एक्चुअल मिस स्टेटमेंट, फिर रेक्टिफिकेशन, फिर एबिलिटी टू कंटिन्यू। ये अब लॉ के हिसाब से दो बातें जो हम पहले डिस्कस करके आए, फ्रॉड रिपोर्टिंग एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, और कारों में रिपोर्टिंग अंडर क्लॉज 10। अब ये जो बातें हैं, ठीक है, ये 6 बातें ये हर आंसर में लिखते हैं, एबिलिटी टू कंटिन्यू तक 4, फ्रॉड रिपोर्टिंग इन 143 12, 5, और फ्रॉड रिपोर्टिंग इन कारो 6। ये 6 बातें कंटिन्यूअसली वो लोग रिपीट करते हैं, हर जगह आपको ये 6 बातें रिपोर्ट करनी है। बात समझ रहे क्या सर? 6 बातें आपको लिखनी है तो आपका आंसर लंबा चौड़ा बन जाता है। फिर केस के बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन, कंक्लूजन, जो ऊपर बातें लिखी है वो कन्फर्म करना चाहिए। फिर केस का डिस्कशन यानी पूरा क्वेश्चन वापस लिखने का। केस डिस्कशन मीन्स राइट एवरीथिंग अगेन, कोई हिचकिचाने का नहीं, इट एड्स टू द, ठीक है, आंसर, वॉल्यूम को ऐड करता है, और बिल्कुल वॉल्यूम, मैं ये बोलता हूँ यानी अगर आप जब तक रिलेवेंट बातें लिख रहे हो तब तक सब सही है, जब तक रिलेवेंट बातें लिख रहे हो तब तक सब सही है, आपने बिल्कुल वॉल्यूम लिखना चाहिए, कोई प्रॉब्लम
नहीं, अगर आप, मैं आपको बता रहा हूं, जितना आप सुंदर पेपर लिखोगे सामने वाले को चेक करने में बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता। सही लिखा नहीं होगा तो नंबर कैसे मिलेंगे? ज्यादा अच्छी तरह देख लेता भले हो। इसको बोलते ऑनेस्ट रॉन्ग बिलीफ। आपको ऐसा लगता है, अगर आप मतलब मैं अगर पेपर चेक करूं और वो ऐसे पैराग्राफ पे पैराग्राफ दिख रहे हैं, ऐसे दो तीन पैराग्राफ ऐसे चिपके चिपके, सेंटेंस खत्म ही नहीं हो रहा है, तो चिढ़ आ जाए भाई क्या लिखा है पेपर में, मतलब पढ़ने की इच्छा ना हो, जैसे जबरदस्ती कुछ भी करके निपटा देना पेपर, ऐसा रहेगा। ठीक है, बोले वही तो हम चाहते हैं, ऐसा है। चेकिंग कंप्यूटराइज है मतलब सिर्फ फिजिकल पेपर के जगह इलेक्ट्रॉनिक मोड में है, पढ़ना तो अभी भी बंदे नहीं है, मशीन ध्यान देंगे। एक तो मतलब आपने दोनों साइड से मार्जिन, फिर क्वेश्चन नंबर, हेडिंग, एक हेडिंग, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, स्पेस छोड़ा एक लाइन का, फिर कॉन्सेप्ट लिखा, फिर स्पेस छोड़ा अगला हेडिंग, फिर कॉन्सेप्ट लिखा, उसको आपने अंडरलाइन भी किया। बंदे को बताओ तो सही कि आप क्या बातें एक्सप्लेन कर रहे हो, कौन से बातों पे आप फोकस कर रहे हो, जो आंसर आपको अच्छे से आते हो, कॉन्फिडेंट हो उसमें तो करो, जहां पे आप उसको घुमाना चाहते हो वो अलग बात है, वहां पे मत डालो हेडिंग, जो आता है अच्छे से वहां पे तो आपने ऐसा करना चाहिए। एनीवेज, तो ये अगले 7 क्वेश्चन का ये सेम आंसर और हर केस का डिस्कशन और थोड़ा सा कंक्लूजन दिया है। लेट्स होप ये 7 में से कोई आ जाए इस बार। सात तो आ जाएंगे, कौन है ये आदमी, कौन है ये आदमी, सात तो आ जाएंगे। फिर मतलब एक आंसर एक बार रखोगे, फिर रेफर क्वेश्चन नंबर 100 एंड 100। क्या कार में पर ले गए? वाह, मानसिक संतुलन पूरी तरीके से। ओके, चलिए ध्यान दें, अभी हमने शुरू किया है। चलिए, नहीं नहीं ध्यान नहीं, नहीं नहीं, कोई ब्रेक नहीं, अभी ध्यान नहीं, जहर का टाइम अभी आने का है कि आ गया। चलो जहर उगल दो बोले। सर जहर उगल तो डस लो बोले होगा। ध्यान, चलिए एक सुनाता हूँ फिर, बहुत ही बेकार है। हर लोकेशन के बच्चे थोड़े अलग अलग रहते हैं, एवरी इज अ डिफरेंस। क्या इसलिए मैंने अच्छे बुरे नहीं बोला, डिफरेंट रहते हैं। गलत बोल रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, डिफरेंट। ओके, ध्यान देंगे। अच्छा, तो कभी चलिए किसको लेंगे हम एग्जाम्पल में?
एग्जाम्पल में इसको ले लो, बोले ये बोले बैठा ही है बोले। चलो पहले से हंस रहे, काफी उनको चिंता नहीं है लाइफ में, जो चिंते तो थोड़ा लाइफ में सब उनको पकड़ के लाते हैं। करेक्ट। अब सब हंसने लग गए बोले, उनको तो कल ही आ गए थे ना एग्जाम्पल में। हाँ ओके सर, आपका नाम सर? हाँ मनीष। तो मनीष सर हमारे होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, बराबर। वेरी अर्ली इन माई टीचिंग करियर आई अंडरस्टूड, कन्याओं पे कोई एग्जाम्पल नहीं। मतलब लड़कों को कुछ भी बोलो ऐसी तैसी कर दो, मैं पॉपुलर हो गया बराबर। कन्याओं का थोड़ा गलती से कुछ बोल दिया तो सेंसिटिव बात हो सकती है। फिर कन्याओं के साथ एक और इशू देखा, फिर उसको बंद ही कर दिया मैंने। सर आपने उनके ग्रुप पे इतने एग्जाम्पल बनाए, हमारे ग्रुप पे इतने बनाए, भाई ये क्या हो रहा है? छोकरों को तो कोई फर्क, कौन सा ग्रुप बोले? तो हमारे मनीष सर, सिचुएशन ये है कि मनीष सर एग्जाम हो गई है, फिर गोवा घूमने जाते हैं और उनकी छोटी सी बोट है, बोले मैं थोड़ा एक्सप्लोर करके आता हूँ बोले। तो अरेबियन सी में उतरते बोट लेके और टहलते टहलते गुम हो जाते। तो सिचुएशन ऐसी है अब कि मनीष भाई हमारे, ठीक है, अरेबियन सी में खो चुके हैं, सब जगह पानी पानी है, इट इज गेटिंग कोल्ड, ठंडी का सीजन है, शॉर्ट्स में घूम रहे थे ये। अब ठंडी बढ़ रही है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर सरवाइव करना तो उनके पास में दो सिगार है, अब सिगार इनहेल करना पड़ेगा, देन ओनली ही कैन रिमेन वार्म एंड ही कैन सर्वाइव। बहुत हालत खराब है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास में कुछ जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब कैसे ही इज गोइंग टू लिट सिगार्स? तो चार तरीके, कमजोर दिल वाले खुद को खुद को संभाल लेंगे बराबर, जो जहर मिलेगा वो जहर का इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी पे नहीं निकालेंगे, मनी बन मेरे बारे में उपशब्द यूज नहीं करेंगे यूज करेंगे तो वापस रिबाउंड ओके बहुत आसान है, एंड आई होप यू सर्वाइव ऑल द फोर। तो पहला, मनीष सर एक सिगार को लेंगे, उसको पानी में डुबाएंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स, फिर उसको निकालेंगे देखेंगे, फिर उसको दोनों साइड से प्रेस करेंगे, पानी गिरेगा, टिप टिप बरसा पानी, पानी में लग गई आग, उससे जला लेंगे फॉर एनी डाउट रेफर यूर नेबर्स प्लीज डोंट कम टू मी, ठीक है। नाउ अभी एक तरीका हुआ, आई होप यू सर्वाइव ऑल द थ्री, तब तक तो आपकी रूह कांप जाएंगी एकदम कांप गए बोले, अब थर थर हो रही बोले, अब आत्मा छोड़ जाएंगी बोले, बहुत हो गया बोले मोह माया, ये शरीर त्याग दो अब फिर दूसरा, मनीष सर क्या करेंगे, बोट का जितना भी सामान है वो शुरू कर देंगे, बाहर फेंक देंगे, बात बन जाएगी, बोट विल बिकम लाइटर, लाइटर से फिर जा लेंगे कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा अब रहने दो बोले,
जान निकाल दूंगी बोले आज हमारे जीवित जाना है बोले हमको। आखिरी के दो फटाफट आप फिर आज तुम जहर बोले इतना डोज दे दिया आप कोई जहर नहीं चाहिए बोले आज का डोज खत्म। तीसरा फिर मनीष क्या करेगा एक सिगार लेगा फेंकेगा और डाइव मार के कैच पकड़ेगा कैचेस विन मैचेस मैचेस। तो पहले पहले सर दिमाग खराब कर रहे हो एक तो लॉस हो रहा है मेरे को ठीक है पहले जहर मिला था क्लास में अब ऐसी लास्ट ठीक है एक बार तो एक सिगार लेफ्ट हैंड में एक रखो बाजू में एक रखो दोनों को एकदम बैलेंस करो और फिर एक को बोलो तो कितनी अच्छी तू कितनी प्यारी दूसरी जलन से बहुत ही मजा है कुछ लोग आखिरी से ध्यान देंगे नाउ डन लिसन एसे 250 नाउ एसे 250 की ऑडिट करते वक्त लॉ से रिलेटेड हमारी क्या जिम्मेदारियां है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है विथ रिस्पेक्ट टू लॉ वेरियस लॉज एप्लीकेबल टू कंपनी कंपनी कई प्रकार के लॉ एप्लीकेबल है बहुत सारे इनफैक्ट एप्लीकेबल है तो बोले हमारी जिम्मेदारी क्या है व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बोले बहुत आसान है क्या जिम्मेदारी है यानी पहले सबसे पहले किसी भी असाइनमेंट में जाए तो पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ रूल्स रेगुलेशंस विच आर एप्लीकेबल टू एंटिटी किस तरह के लॉ रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल है कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी उसकी आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करिए जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर हेविली रेगुलेटेड भयंकर हेविली रेगुलेटेड है हर छोटी मोटी बात उनके आस पर लॉ होती है मतलब दवाई में जो एल्यूमिनियम फॉइल यूज होती है जो अगर वो बच जाए तो उसको डिस्पोज कैसे करना उसके लिए भी प्रोसीजर दिए वही फॉलो करना पड़ता है नहीं तो फैक्ट्री को दो दिन के लिए बंद करवा देंगे पनिशमेंट दे देंगे हेविली रेगुलेटेड बैंक्स हेविली रेगुलेटेड बहुत हेवी रेगुलेशंस में चलते हैं ट्रेडिंग एंटिटी को कोई खास रेगुलेशंस होते नहीं है नाउ सम तो पहले आके पहला काम है ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग कितने तरह के लॉ रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं इज इट हेविली रेगुलेटेड इट इज हैविंग लो रेगुलेशंस और इनकी तैयारी क्या है इंप्लीमेंटेशन की क्या इनका खुद का डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट हेड है टीम है क्या तैयारी करके रखी है इंप्लीमेंटेशन की पहला अब ये करने के बाद आइडेंटिफाई द लॉज जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है इसका डायरेक्ट इफेक्ट है आइडेंटिफाई द लॉज जिनका डायरेक्ट इफेक्ट रहने वाला है ठीक है अब डायरेक्ट इफेक्ट मतलब क्या ऐसे लॉज जिसका जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बने हैं खास उस इंडस्ट्री के लिए बने हैं ऐसे लॉज जो उस इंडस्ट्री के लिए खास बने हैं या फिर जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आपको दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे उसको बोलते हैं लॉज हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई रेगुलेशंस बने हैं डायरेक्ट इफेक्ट आरबीआई सर्कुलर डायरेक्ट इफेक्ट आईआरडीए के रेगुलेशंस इंश्योरेंस कंपनी पे डायरेक्ट इफेक्ट आइडेंटिफाई द लॉज जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है उस इंडस्ट्री पे या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे शेड्यूल 3 का है डायरेक्ट इफेक्ट इनकम टैक्स का है डायरेक्ट इफेक्ट जीएसटी का है डायरेक्ट इफेक्ट डायरेक्ट इनकम एक्सपेंस पे ऐसे लॉस की लिस्ट बनाइए एंड गो एंड चेक कंप्लायंस चेक करना मतलब ऐसे लॉस की लिस्ट बनाना उसके सेक्शंस की लिस्ट बनाना रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाना और एक एक चेक करना ये फॉलो किया क्या इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स पे किया क्या टीडीएस पे किया क्या रिटर्न बराबर फाइल किया क्या सारी रिक्वायरमेंट्स को चेक करना उसको बोलते हैं गो एंड चेक कंप्लायंस इसके अलावा जो अदर लॉज है विच मे हैव मटेरियल इफेक्ट विच
मे हैव मटेरियल इफेक्ट, जिनका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल दिया है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, एनवायरनमेंट एक्ट, इनका इम्पैक्ट हो सकता है, मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, हर बार हो जरूरी नहीं है। क्या चेक करेंगे? नॉन कंप्लायंस। डायरेक्ट इफेक्ट में क्या चेक करते हैं? कंप्लायंस। यहां पे क्या चेक करेंगे? नॉन कंप्लायंस। सर फर्क क्या है? कंप्लायंस में जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते रहते, फॉलो हुआ क्या? नॉन कंप्लायंस में सिर्फ दो बातें करते हैं, पहला इंक्वायरी, पूछताछ करते हैं, ये लॉ में कुछ चीज आपने तोड़ी क्या, ये लॉ में कोई चीज तोड़ी क्या, ये सेक्शन तोड़ा क्या, सिर्फ पूछताछ करते, इंक्वायरी। और दूसरा करस्पॉन्डेंस चेक करते, कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बीच में क्या बातचीत हो रही है, उन्होंने किस चीज का नोटिस भेजा है, हमने क्या जवाब भेजा है, करस्पॉन्डेंस। बस दो चीजें क्या करेंगे साहब? इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद में फिर करस्पॉन्डेंस चेक करेंगे, बस ये दो चीजें। उसमें गलत मिला तो देख लेंगे। इसके अलावा अगर कोई लॉ है जिसका मटेरियल इफेक्ट भी नहीं होता, कोई चेकिंग नहीं करनी जब तक कोई सस्पेक्टेड या एक्चुअल नॉन कंप्लायंस नहीं मिलता। इसके अलावा भी अगर कुछ है, डिफेंस एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है, वीकली ऑफ एक्ट भी है इंडिया में, कई प्रकार के, कि भाई सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक दिन तो अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी देनी चाहिए, एम्प्लॉयज को, स्टूडेंट नहीं, करेक्ट। तो क्विकली पहले जाके क्या ऑप्शन करेंगे? जनरल अंडरस्टैंडिंग, फिर लॉज हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट, देन अदर लॉज विच मे हैव डायरेक्ट इफेक्ट, उसके बाद में रिमेनिंग लॉज। कुछ चेकिंग करनी नहीं है जब तक सस्पेक्टेड एक्चुअल नॉन कंप्लायंस मिलता नहीं है, ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी। फिर अलर्ट रहिए, पूरे असाइनमेंट में अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए, कहीं पर भी आपको नॉन कंप्लायंस की जानकारी मिल सकती है। बोर्ड मिनट्स पढ़ते वक्त हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ नॉन कंप्लायंस डिस्कस किया, वहां से जानकारी मिल जाए। लॉयर से हम बातचीत करते हैं, लॉयर से बात करते वक्त नॉन कंप्लायंस मिल जाए तो अलर्ट रहिए, कहीं से भी नॉन कंप्लायंस मिल सकता है। आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लीजिए कि हमने पूरा लॉ कंप्लायंस अच्छे से करवाया, करवाने के बाद अगर जो भी नॉन कंप्लायंस हुआ है उसकी पूरी जानकारी आपको दी। बात समझिए साहब, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एज पर एस ए 250। फिर इस पे आइए, नाउ ये केस मई 18 आरटीपी पीएम का है, मॉक टेस्ट पहली बार पूछा था नवंबर 12 के एग्जाम में, सुन लेंगे। केस में ऐसा लिखा है, ऑडिटर ऑडिट करने गया और उसने देखा कि कंपनी में बच्चे काम कर रहे, चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे। पहले वो लोग एक सिंपल ओवरव्यू दे रहे हैं, ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल, डायरेक्ट इफेक्ट जहां पे वहां पे क्या कलेक्ट करना, चेक करना, कंप्लायंस जहां पे हो सकता है वहां पे नॉन कंप्लायंस। पहले उसका एक ओवरव्यू दे रहे, पहले यहां पे ओवरव्यू दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में नॉन कंप्लायंस मतलब लॉ फॉलो नहीं कर रहे, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, नॉन कंप्लायंस के वैसे पेनाल्टीज, फाइन्स हो सकते हैं, लिटिगेशन हो सकते हैं, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम भी हो सकता है। पहले ऑडिटर के जिम्मेदारियों का ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू देने के बाद में नॉन कंप्लायंस क्या होता है, उसका क्या इंपैक्ट है वो बताया। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? बहुत आसान सा है, ऑडिटर ने पहले जाकर पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, नेचर ऑफ द एक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, कितने बच्चे थे वो काउंट करवा लो इनडायरेक्टली, पहले खुद जानकारी कितने बच्चे लग रहे थे, ठीक है,
उनसे बात करके देखो उनकी एज क्या, वो बता रहे थे, उनके आई कार्ड देखो उनकी एज क्या, वो बता रहे थे। पहले जाके आप समझो बच्चे कितने थे, ठीक है, प्राइमा फेसी क्या एज लग रही थी, उनके आई कार्ड्स क्या बोल रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, वो जानकारी आप इकट्ठा कर लो। फिर जाके आप ये भी देखो कि चाइल्ड लेबर एक्ट के कौन से सेक्शंस तोड़े गए, उसकी क्या पेनाल्टीज है, क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो पहले नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस और पूरे सर्कमस्टांसेस का नॉलेज ले लो, फिर देखो व्हाट कैन बी द पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कितनी पेनाल्टीज, कितने लिटिगेशन, कितना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ सकता है, लाइसेंस को खतरा है क्या, गोइंग कंसर्न खतरा है क्या, सोचो। अब आप बहुत सी बार खुद सक्षम नहीं होते हो पूरे लॉ को समझने में, इम्प्लीकेशन समझने में, इम्पैक्ट समझने में। मैनेजमेंट को बुलाओ, मैनेजमेंट से पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करो, देखो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, डिस्कस विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं बोल रहा है नहीं, अरे साहब वो जगह तो मैंने रेंट पे दी किसी थर्ड पार्टी को, मेरे तो जगह ही नहीं, अब वो वहां पे किसी थर्ड पार्टी का काम चल रहा है, वो जो बच्चे थे भी तो मेरे अंडर काम नहीं कर रहे, किसी और के अंडर काम कर रहे हैं। देखो बोले अग्रीमेंट, मैनेजमेंट से डिस्कस करो क्या वो अग्री कर रहा है नॉन कंप्लायंस से, क्या उसके फाइनेंशियल इंपैक्ट से अग्री कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमको और समझा रहे हैं। अगर मैनेजमेंट जो जानकारी दे रहा है हमको सेटिस्फाइड नहीं है, मैनेजमेंट हमको पूरे लॉ के बारे में नहीं बता रहा, नॉन कंप्लायंस कैसा, उसके बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में नहीं समझा रहा, अगर मैनेजमेंट जानकारी ना दे तो लीगल एडवाइस लो, लॉयर के पास जाओ, जो आपको बताएगा कि ये लॉ का नॉन कंप्लायंस का इंपैक्ट क्या होता है, क्या चीजें हो सकती है, वो लॉयर से एडवाइस लो, टेक एडवाइस फ्रॉम द लीगल काउंसिल, लीगल एडवाइस आप लो। फिर भी अगर सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो आपको ऐसे 705 के हिसाब से क्या करना पड़ेगा साहब, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। बात समझ रहे, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और अगर सबूत मिल गए लेकिन वो उसको रेक्टिफाई नहीं, बराबर अकाउंटिंग नहीं करे तो क्वालिफाई एडवर्स देना पड़ेगा। सबूत नहीं मिलेगा तो क्वालिफाई डिस्क्लेमर, नहीं तो क्वालिफाई एडवर्स। केस वही डिस्कशन है और यहां पे कंक्लूजन है कंडीशनल कि अगर ये बराबर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। ध्यान देंगे, पहले पहले आपको ओवरव्यू देना है किसका, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर किसके बारे में समझाना है नॉन कंप्लायंस, ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि नेचर सरकमस्टांस का पूरा नॉलेज लो, लॉ का पूरा नॉलेज लो, फिर क्या हो जो पॉसिबल इफेक्ट, इसमें किसकी मदद लो, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट हेल्प ना करे तो लॉयर की, जानकारी फिर भी सफिशियंट नहीं मिले तो क्वालिफाई डिस्क्लेमर, जानकारी मिल गई गलती है तो क्वालिफाई एडवर्स। इस पॉइंट क्लियर, ये आपको बातें समझानी पड़ेगी अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो। क्विकली, पहला ऐसे कौन सा था, 210, दैट वाज एंगेजमेंट लेटर। 220 क्या था, क्वालिटी कंट्रोल। 230 पे एक भी क्वेश्चन नहीं था। 240 क्या था, फ्रॉड के ऊपर स्टैंडर्ड आंसर देखा वहां पे। 250 क्या था, कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। पहले हमने पढ़ा ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा नॉन कंप्लायंस मिला तो क्या करना चाहिए। नाउ ध्यान देंगे, नाउ एज पर एसए 260, एसए 260 सुनिए, आप सबको पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। जो लोग कंपनी में सुबह 9 से रात को 9 बजे तक डे टू डे ऑपरेशंस को संभालते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट डेली बेसिस पे। जो लोग पीरियोडिकली आते हैं, क्वार्टरली आते हैं, ठीक है, सुपरवाइज करते हैं क्या चीजें चल रही है, सुपरवाइज करने के बाद फिर डिसीजन लेते हैं। अब हमारे बड़े लॉन्ग टर्म डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्या होंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, ये सारी बातें सोचते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करो ये बोल के निकल जाते हैं, उसको हम बोलते हैं TCWG, दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस। ध्यान दीजिए, दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस हर 3-4 महीने में एक बार आते हैं, एक सुपरविजन करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं, बड़े डिसीजन लेकर के चले जाते हैं। इनको बहुत उम्मीदें होती है ऑडिटर से,
कि ऑडिटर बहुत अच्छे से चेकिंग करता है चीजों की, और कुछ भी गलत होगा, कुछ भी प्रॉब्लमेटिक होगा तो ऑडिटर हमको बता देगा। उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं किससे साहब? ऑडिटर से। इसलिए ऐसे 260 बोलता है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो रेगुलर कम्युनिकेशन करता रहे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। इससे उनकी जो एक्सपेक्टेशन है फुलफिल हो जाएंगी, वो लोग खुश रहेंगे, दिल बी हैप्पी, दिल बी सेटिस्फाइड। और आपको भी कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से जो और किसी को पता नहीं है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। वो भी खुश है, जानकारी मिल रही, कंपनी को अच्छे से चला रहे, हम भी खुश है, ऑडिट करते हमको जानकारी मिल रही है। गेटिंग दिस पॉइंट? अब ऐसे 260 बताया है कौन से मैटर्स हमने कम्युनिकेट करने चाहिए, कौन से मैटर्स हमने कम्युनिकेट करने चाहिए, किसको? TCWG को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कौन सी जानकारी हमने देनी चाहिए। तब याद रखने के लिए हमने एक सीक्वेंस में, जस्ट आफ्टर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के इमीडिएटली बाद क्या करना चाहिए? अपॉइंटमेंट के बाद जाकर आपने TCWG से मिलना चाहिए, उनको बताना चाहिए, माननीय महोदय हम आपको बता दें, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। हमारी जिम्मेदारी ओपिनियन देना है, हमारी जिम्मेदारी अकाउंटिंग करना नहीं है। इसके लिए आप जिम्मेदार थे और आप जिम्मेदार रहेंगे। तो अपॉइंटमेंट के इमीडिएटली बाद जाकर के पोलाइटली आपकी जिम्मेदारी क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है इसकी क्लैरिटी बना लेना चाहिए, इसके बारे में कम्युनिकेशन करके क्लैरिटी को बना लेना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाएंगे, हम सिर्फ इसको चेक करके इस पर रिपोर्ट देंगे। बोले डन। अपॉइंटमेंट के इमीडिएटली बाद जाके समझा दिया जिम्मेदारी आपकी क्या और हमारी क्या। फिर ऑडिट शुरू करने के जस्ट पहले प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट जाके डिस्कस करिए। प्लान, स्कोप, हम लोग कितने ब्रांचेस कवर करने का सोच रहे हैं, कितने डिपार्टमेंट कवर करने का सोच रहे हैं, ठीक है। प्लान, स्कोप, टाइमिंग, क्वार्टरली ऑडिट करने का सोच रहे हैं, सिक्स मंथली सोच रहे हैं, एनुअली कर रहे हैं, वो जाके उनसे डिस्कस करिए। हमारा प्लान, स्कोप क्या है, कितने एरियाज कवर करने वाले, कैसे कवर करने वाले, और टाइमिंग्स आप जाकर उनको पहले से एक ओवरव्यू, ओवरऑल बताइए, स्पेसिफिक मत बताइए, सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा, सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा, सरप्राइज एलिमेंट खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए ओवरऑल आप प्लानिंग शेयर करिए, क्विकली ध्यान देंगे। अपॉइंटमेंट के बाद क्या करेंगे हम लोग जाए कम्युनिकेशन, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर काम शुरू करने के पहले ओवरऑल प्लान एंड स्कोप डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में ऑडिट करते कौन सी बातें, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। ऑडिट करते हैं क्या कम्युनिकेट करेंगे, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में पहले क्या आता है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। देखो ये भी अपने आप में पॉइंट, वो सब पॉइंट नहीं है, इट इज नॉट अ सब पॉइंट, इट इज अ पॉइंट इन इटसेल्फ। सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, ऑडिट ऑडिट करते हैं कौन से प्रॉब्लम्स गए, कौन से प्रॉब्लम्स गए। अगर क्लाइंट हमको समय समय पे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बहुत डिले कर रहा है, बहुत लेट इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, वो आप शेयर करिए। यार आपके लोग हमको इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहे, इंफॉर्मेशन बहुत लेट दे रहे, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है एविडेंस इकट्ठा करने में। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जितने भी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं ऑडिट करने में, वो सारे बताइए, आप कम्युनिकेट करिए। फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स, बड़ी बड़ी रिस्क क्या थी, उससे मिसस्टेटमेंट क्या निकले, ओपिनियन पे क्या फर्क पड़ा, सिग्निफिकेंट मैटर्स भी डिस्कस करिए और उनको बहुत ही बताइए, चलो ये सब तो बताना आपको, वी एक्सपेक्ट अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यू। ध्यान देंगे, बहुत आसान है। अपॉइंटमेंट के बाद कम्युनिकेशन करें, किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, किसका साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। फिर काम शुरू करने से पहले प्लान, ओवरऑल प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग। फिर काम करते वक्त सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, उसके बाद में सिग्निफिकेंट मैटर्स, और आखिरी में क्या चाहिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। नाउ ये देन ऊपर उसकी समरी,
सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ध्यान देंगे सर, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड क्वालिटी डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्वालिटी ऑफ एस्टिमेट्स एंड क्वालिटी ऑफ डिस्क्लोजर्स एईडी. घटिया क्वालिटी क्या होती है? एक कंपनी ने मशीन बेची 10 करोड़ में, बेटा जैसी मशीन बेची फैक्ट्री गेट से निकला 10 करोड़ का सेल बुक कर ले. ऊपर ऊपर से चलना, रफ एस्टिमेट्स पे चलना, आधा अधूरा काम करना, उसको बोलते पुअर क्वालिटी. इनडेप्थ जाना, चीजों को अच्छे समझना, समझने के बाद में परफेक्ट अकाउंटिंग करना, उसको बोलते क्वालिटी. घटिया अकाउंटिंग है बोले, हमने उनको मशीन बेची है, मशीन हम इंस्टॉल भी करने वाले हैं, 1 साल का डेफर्ड पेमेंट है. क्या है साहब? डेफर्ड पेमेंट मतलब उनसे इंटरेस्ट भी वसूल होगा और 5 साल का मेंटेनेंस है, 10 करोड़ पहले ब्रेक होगा. कितना पैसा इंस्टॉलेशन का है, कितना पैसा मशीन का अलग निकलेगा, कितना इंस्टॉलेशन का है अलग निकलेगा, कितना इंटरेस्ट का पैसा है अलग निकलेगा, कितना मेंटेनेंस का अलग निकलेगा, स्प्लिट होगा. स्प्लिट होने के बाद जितना मशीन के उसकी, जैसी मशीन गई ठीक है, इंस्टॉलेशन हुआ मशीन गई, उसका सेल बुक होगा, इंस्टॉलेशन की इनकम अलग से बुक होगी. जो डेफर्ड पेमेंट है 1 साल में उसकी इनकम बुक करेंगे, समझ रहे क्या? मेंटेनेंस 5 साल का है तो उसको 5 साल में बुक करेंगे, उसको बोलते गुड क्वालिटी अकाउंटिंग पॉलिसी. बहुत सोच समझ के ट्रांजैक्शन को समझना, इनडेप जाना और उसको बेस्ट सुटेबल अकाउंटिंग पॉलिसी को निकाल के लगाना, उसको बोलते क्वालिटी अकाउंटिंग पॉलिसी. एस्टिमेट्स ऊपर ऊपर से पिछले 3 साल का एवरेज करके लगा दिया, पुअर क्वालिटी एस्टिमेट्स. डिस्क्लोजर दूसरे कंपनी से कॉपी कर दिया, पुअर क्वालिटी डिस्क्लोजर्स. हमको यह भी कम्युनिकेट किया, माननीय महोदय हमने ऑडिट तो किया, ऑडिट करने के दौरान हमको कुछ बातें पता चली कि आपके क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे है, वो भी आपको बताएंगे क्विकली. ऑडिट कर क्या लिखी पहले? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स, रिटर्न, रिप्रेजेंटेशन, आखिरी में बताएंगे क्वालिटिव एस्पेक्ट. क्या बताएंगे? क्वालिटिव एस्पेक्ट, कि क्वालिटिव एस्पेक्ट कितनी अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी में कितनी चीज आती थी, क्वालिटी पॉलिसीज एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स. फिर साइन करने के जस्ट पहले ऐसे सारे सर्कमस्टांसेस जिसका इंपैक्ट आ रहा है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. कोई भी चीज का अगर इंपैक्ट है किस पे साहब? ऑडिट रिपोर्ट पे. ऑडिट रिपोर्ट पे अगर इंपैक्ट है तो वो सारी बातें हमको डिस्कस करनी पड़ेगी. मतलब भाई अगर आप ईएमपी डाल रहे हैं, ओएमपी डाल रहे हैं, डिस्कस कर लो, समझ रहे क्या? क्वालिफाई कर रहे हैं, डिस्कस कर लो, सारी बातें आपने डिस्कस करनी चाहिए रिपोर्ट में जो भी आएगा. फिर अदर्स में एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर, इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे लिखा है अगर कंपनी की सिक्योरिटी, फाइनेंशियल डेटा की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो वो भी आपको कम्युनिकेट कर देना चाहिए, भाई बराबर नहीं है. इज दिस पॉइंट क्लियर? क्विकली लंबा चौड़ा आंसर है साहब. कौन सा ऐसे ऐसे? 260 अपॉइंटमेंट के जस्ट बात क्या कम्युनिकेट करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जब ऑडिट शुरू करेंगे तो ओवरऑल प्लान, टाइमिंग एंड स्कोप. फिर ऑडिट के दौरान सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, उसमें पहला क्या है? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स, क्या प्रॉब्लम्स गए इनिशियली, फिर क्या मैटर्स, देन रिटर्न, रिप्रेजेंटेशन, आखिर में क्या चाहिए? क्वालिटी एस्पेक्ट्स, ठीक है, एंड अदर्स इफ एनी. लिस्टेड कंपनी में और किस चीज का कम्युनिकेशन करना है? इंडिपेंडेंस. माननीय महोदय मैं और मेरी टीम एथिकल और इंडिपेंडेंट है, ऐसा लिख कर देंगे. सारी बातें बताएंगे हम, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कितना कमाते हैं, ऑडिट फीस, नॉन ऑडिट फीस में हम, हमारे लोग कैसे इंडिपेंडेंट, पूरी बात बताओ, सारे रिलेशनशिप बताओ और बोलो कि हमने इमेज अच्छे खासे रूल्स बनाकर रखे हैं टू एलिमिनेट द थ्रेट, टू एलिमिनेट द थ्रेट. अगर कोई रिलेटिव है दूर का तो उसका हफ्ते में 2 बार सुपरविजन करते हैं ताकि वो कोई गलत काम ना करें. बात समझे के सब? ये खास चेक करना है हमको, कौन से कंपनी में? लिस्टेड कंपनीज में. ये चेक कम्युनिकेट करना है हमको. क्या करना है साहब? कम्युनिकेट. टीसीडब्ल्यू को भरोसा दिलाना, मैं और मेरी टीम इंडिपेंडेंट एथिकल है,
पूरी जानकारी, हम लोग इंडिपेंडेंट है, हमारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना कमाते हो बता देना है, हमारे पास पूरे सेफगार्ड्स है चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऑल दिस नीड टू बी कम्युनिकेटेड। बात समझी के सर? यस नो, यस नो, बहुत लंबा चौड़ा था ऐसे 260 की बात। अब इंपॉर्टेंस ऑफ की ऑडिट मैटर लिखा हुआ है, नवंबर 18 आरटीपी में आया है, रेफर नोट्स लिखा हुआ है। अगला ही क्वेश्चन है, विल टेक अ ब्रेक आफ्टर 200 सीरीज। पेज नंबर 1.3 पे लिखा है कॉन्सेप्ट नंबर 24.10, नोट्स में आई है 1.3। मतलब देखिए 701 के बारे में लिखा हुआ है। लिसन, क्वेश्चन ये है, बंद क्यों हो गया? ध्यान देंगे, क्वेश्चन ये है कि की ऑडिट मैटर का एक नया ऐसे आपको पता होगा 701, 701 जो बात करता है किसके ऊपर, की ऑडिट मैटर। ऑडिट रिपोर्ट में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है तो उसका क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, किससे, टीसी डब्ल्यूजी से, उसके बारे में बात की है। दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हो लोग। लिसन व्हाट दे आर सेइंग, ऐसे 260 बोलता है कि सारी इंपॉर्टेंट बातें दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। की ऑडिट मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑडिट रिपोर्ट में जाने वाली है, एक नई चीज है, तो उसका कम्युनिकेशन टाइमली बेसिस पे हो जाना चाहिए। बोले डन, क्या बोल रहे हैं वो, लिसन गाइस, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मैनेजमेंट के लोगों को बहुत डर लगता है कि आप यार ये नई चीज डालोगे ऑडिट रिपोर्ट में, लोग इसको मिस इंटरप्रिट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मिस इंटरप्रिट कर लेंगे, और उनको ऐसा लग सकता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, ऐसे 260 में लिखा है सारी इंपॉर्टेंट बातें कम्युनिकेट करना है, की ऑडिट मैटर का भी अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे ही ऑडिट शुरू होता है प्रिलिमिनरी व्यूज पहले ही जाके बता दो, साहब हमको लगता है इस साल ये बातें, मैं हो सकता है ये बातें मैं रिपोर्ट करूं, ये बातें मुझे रिपोर्ट करनी पड़े मेरे ऑडिट रिपोर्ट में एज की ऑडिट मैटर। प्रिलिम वो समझा रहे, कम्युनिकेशन तो करना है, कैसे करना है, ऑडिट जब शुरू हो रहा है तभी प्रिलिमिनरी व्यूज दे दो, तभी प्रिलिमिनरी व्यूज दे दो कि साहब ये मामले में की ऑडिट मैटर में लिखने पड़ेंगे ऐसा हमको लग रहा है। इससे क्या होगा, रोबस्ट कम्युनिकेशन, शुरुआत से मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में बढ़िया कम्युनिकेशन रहेगा, की ऑडिट मैटर्स को लेकर खुलकर वो बात करेंगे, एकदम आखिरी में आकर बात नहीं होगी। आपको क्या लगता है, आपको आपको लगता है की ऑडिट मैटर नहीं है, ये हमको लगता है उस पर चर्चा कर लो, आपको क्या लगता है, आप बोल रहे सिर्फ इतनी बातें बताना, हम बोल रहे इतनी बातें बताना, पहले से डिस्कशन कर लो। अगर हम बहुत जल्दी इस बात को बता देंगे तो रोबस्ट कम्युनिकेशन होगा इस चीज को लेकर दो कि भाई ये की ऑडिट मैटर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपको क्या लगता है कौन सी बातें लिखनी चाहिए। टीसीडब्ल्यूजी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिसर्च करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए, इसलिए पहले जाके बता दो। तो आपको समझा रहे की ऑडिट मैटर कम्युनिकेशन होना चाहिए कौन से पे, कैसे, इस पे टाइमली बेसिस पे,
आप प्रिलिमिनरी व्यूज बता दो, ऐसा करने से अच्छा कम्युनिकेशन होगा, टीसीडब्ल्यू को अपने रिसर्च करके बात रखने का मौका मिलेगा। फिर इसके बाद आप प्रिलिमिनरी बता चुके थे, अब आप की ऑडिट मैटर के बारे में क्या सोचते हो ये ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में लिखकर भेज दो। ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में लिखकर भेज दो मतलब हमने इनिशियली भी बताया, इनिशियली बताया, उसके बाद फाइनल करने के पहले ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में भी बताया। ऐसा करने से दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, ऑडिट के शुरुआत से मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे डिस्क्लोजर जाने वाले हैं। दे विल गेट मेंटली प्रिपेयर्ड, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज की ऑडिट मैटर, व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्लोजर्स विल गो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उसको बताना चाहिए करेक्ट। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से शेयर भी कर पाएंगे हमारे साथ में। बात समझ रहे क्या? हो सकता है ऑडिटर ऑडिटर अपने रिपोर्ट में क्या डालता है, की ऑडिट मैटर, उसका एक्सप्लेनेशन नोट्स टू अकाउंट्स में और होता है। हो सकता है टीसीडब्ल्यू को समझ में आए कि मैंने मेरे नोट्स टू अकाउंट्स को और एलाबरेट करना चाहिए ताकि लोग इसको गलत ना समझे। ये क्वेश्चन 18 RTP में आया था, बच्चे पढ़ते उनको समझ में नहीं आता लिखा क्या है और लिखा क्यों है, तो मैंने उसको हेडिंग्स डाली है ताकि समझे। पहले आपको समझाना, यस कम्युनिकेशन तो करना चाहिए, कैसे करेंगे, पहले प्रिलिमिनरी व्यूज और उसके बाद में ड्राफ्ट रिपोर्ट में, दो कम्युनिकेशंस होंगे और ऐसा करने से मेंटली प्रिपेयर होंगे, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएंगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और हो सकता है अपने नोट्स टू अकाउंट्स को और इम्प्रूव कर दें। सबको समझता है की ऑडिट मैटर, यस नो? ऑडिट करते वक्त सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन जो मुद्दों पे दिया गया, जिसपे बहुत ज्यादा मेहनत की गई, वो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ऑडिट रिपोर्ट में ताकि लोगों को समझे हमने ऑडिट कैसे किया, कौन से बातों का ऑडिट किया। हवा लगी भाई? ओके नाउ लास्ट ऐसे टू 65 में कुछ है ही नहीं तो सेकंड है। हाँ ध्यान नहीं है, लिसन 28.20 पे आइए, 20 ध्यान देंगे। क्वेश्चन में ये पूछा है ईच जॉइंट ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली द वर्क अलोकेटेड टू हिम, ओनली द वर्क अलोकेटेड टू हिम, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स? दूसरा पूछा है वेदर आर नॉट ही इज प्रिपेयर रिपोर्टिंग के बारे में। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहले वो जानना चाहते हैं, एक बहुत फेमस क्वेश्चन अगर आपको कई बार पूछा है, व्हाट इज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स एंड व्हाट इज स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़कर साफ साफ नजर आता है दे वॉन्ट टू नो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे वॉन्ट टू नो अबाउट ऑडिट रिपोर्ट, दे वॉन्ट टू नो अबाउट ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन आंसर में क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिपोर्टिंग का, आंसर में उन्हें रिलायंस ऑन अदर ज्वाइंट ऑडिटर और रिपोर्टिंग ये दो मुद्दे कवर किए, तो इंस्टीट्यूट भी महान है। क्वेश्चन में पढ़ के समझ में आता है, पूछ रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग, आंसर में दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायंस ऑन अदर ज्वाइंट ऑडिटर एंड रिपोर्टिंग। लिख लो फिर, हम नोट्स में मैंने तीनों बातें कवर कर ली, फिर हम क्या करेंगे सर? जो पूछा है उतना लिखना, समय मिले तो एक्स्ट्रा भी लिखना। ध्यान देंगे अब नोट्स पे, ये हमने वो तीनों के चार्ट दिए, वहां पे लिख दो रेफर नोट्स।
या नहीं? वन पॉइंट फोर पे है। लिसन, जब दो या ज्यादा लोग मिलकर ज्वाइंट ऑडिट करते हैं उसको बोलते हैं, मिलकर ऑडिट करते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट ऑडिट। नाउ व्हाट आर सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट आर ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज? बहुत आसान सा है, जो काम डिवाइड हो चुका है अगर ये तय हो गया ये बिजनेस आप चेक करोगे ये बिजनेस हम चेक करेंगे, या फिर ये तय हो गया ये लोकेशन आप चेक करोगे ये लोकेशन हम चेक करेंगे, जो काम डिवाइड हो चुका है वो सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। अब उसको लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ता है, उस एरिया का रिस्क असेसमेंट आप ही करोगे, फिर उस एरिया रिस्क असेसमेंट के बाद उस एरिया के इंटरनल कंट्रोल्स आप ही चेक करोगे, फिर उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर का नेचर टाइमिंग एक्सटेंट आप तय करोगे। बात समझ रहे साहब? एज इस पॉइंट क्लियर? बहुत आसान है, जो काम डिवाइड हो चुका है, जो काम डिवाइड हो चुका है वो किस में आता है? सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इट कम्स इन सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका रिस्क असेसमेंट सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, फिर उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, और ठीक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर का नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ये भी किसमें आता है? सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सीक्वेंस में। पहले उस एरिया का रिस्क असेसमेंट, फिर उसके टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर उसके सब्सटेंटिव टेस्टिंग। अब नॉट डिवाइडेड, ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो काम डिवाइड नहीं हुआ था, टैक्स हमने सोचा था साथ में चेक करेंगे, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। उसके लिए जो भी डिसीजन तय किए गए टैक्स के लिए हमने तय किया, हम एक्सपर्ट की रिपोर्ट, हम एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे और एक्सपर्ट की रिपोर्ट के हिसाब से चलेंगे, उसके लिए दोनों जिम्मेदार होंगे। ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। फिर ऑडिट करते वक्त कभी कभी एक नया एरिया आ जाता है। ऑडिट करते वक्त पता चला कि फॉरेन ब्रांच में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, तो जॉइंट ऑडिटर ने बोला अरे यार ये मैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं चाहता, इसमें बहुत सारे इश्यूज है, साथ में मिलके इसको चेक करना चाहिए, इसमें बहुत सारे बिजनेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, सारे बिजनेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो बाकी ऑडिटर्स के पास आता है, और अगर बाकी ऑडिटर्स मान जाते हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा किसमें? ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जो काम हमने डिवाइड नहीं किया वो किसमें जाएगा? ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके सारे डिसीजंस किसमें जाएंगे? ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल था टैक्स, फिर बाद में एग्जाम्पल था ऑडिट करते वक्त हमको नई चीज पता चली फॉरेन ब्रांच में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, अब इसको साथ में ऑडिट करते हैं, वो किसमें जाएगा? ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीन चीजें तो हमेशा आती है, ऑलवेज कंप्लायंस विथ लॉ। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विथ लॉ का कंप्लायंस, जैसे शेड्यूल थ्री, ये हमेशा ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर चेक करना, ठीक है, एज पर एएस इंड एएस ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिट रिपोर्ट को बनाना एज पर लॉ एंड स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, ये हमेशा ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तीन तो हमेशा ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉ का कंप्लायंस, उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर और ऑडिट रिपोर्ट बनाना। बस ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लेकिन क्या एक ज्वाइंट ऑडिटर ने काम किया है तो दूसरे को वापस जाके उसको चेक करना चाहिए क्या? कॉमन सेंस है, आंसर इज नो। अगर करेंगे तो ज्वाइंट ऑडिट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, डजंट मेक सेंस। ध्यान देंगे, क्या लिखा है स्टैंडर्ड में? हर एक ज्वाइंट ऑडिटर ये अज्यूम कर सकता है, अंडरलाइन करना है इसको, क्या कर सकता है? अज्यूम ये पहला पॉइंट मान सकते हो, ये दूसरा, हर एक ज्वाइंट ऑडिटर ये अज्यूम कर सकता है कि दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर ने पूरा काम किया है सिस्टमैटिकली,
करेक्ट, सिस्टमैटिकली उसने पूरा काम किया है अपने एरिया का, वो भी किया है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पूरा काम उसने एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया है। और जब भी ऑडिट करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आया कहीं पर भी, उसको ऐसा दिखा कि उस एरिया में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो नहीं किया है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसने सब कम्युनिकेट किया है समय समय पे, ब्रॉट टू द नोटिस। हर जॉइंट ऑडिटर यह अज्यूम कर सकता है कि सामने वाले बंदे ने अपना पूरा काम अच्छे से किया है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और काम करने के बाद में किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का नॉन कंप्लायंस है, कोई भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मिसस्टेटमेंट मिला, बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिला, तो वो सारी बातें उसने मुझसे शेयर की होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूं। मुझे किसी तरह का टेस्ट रिव्यू कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वी कैन हैव कंप्लीट रिलायंस ऑन अदर ज्वाइंट ऑडिटर। बात समझ रहे साहब? इतना ही नहीं, कभी कभी ब्रांचेस बढ़ जाती है, इतनी ब्रांचेस तुम करोगे, इतनी ब्रांचेस तुम करोगे, लेकिन वो ब्रांच पे बिजनेस दोनों का हो रहा है, काम बटा है बिजनेस वाइज। कैसे बटा है? बिजनेस वाइज, और ब्रांचेस भी बटी है। तो एक ब्रांच में थोड़ा बिजनेस एक ऑडिटर का है, थोड़ा बिजनेस दूसरे ऑडिटर का है। क्या लिखा है? अगर कोई ज्वाइंट ऑडिटर ने ब्रांचेस डिवीजन का ऑडिट किया है, हम ये अज्यूम कर लेंगे कि उसने बहुत बढ़िया उसने ऑडिट किया है सिस्टमेटिकली एज पर लॉ रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स, और उसने सही रिपोर्ट दी है जो बता रहा है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू ट्रू एंड फेयर व्यू। हम पूरा भरोसा कर सकते हैं किस पे? ज्वाइंट ऑडिटर की रिपोर्ट ऑन ब्रांचेस एंड डिविजन्स। उसके काम पे भरोसा कर सकते हैं, उसकी ब्रांच रिपोर्ट पे, उसकी डिवीजन की रिपोर्ट्स पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। हवाले के साहब, दिस इज कॉल्ड रिलायंस ऑन अदर ज्वाइंट ऑडिटर। जब तक कोई डाउट नहीं होता आप पूरा भरोसा कर सकते हो। आखिरी में रिपोर्टिंग, आखिरी में साहब रिपोर्टिंग। सब ऑडिट होने के बाद दोनों ने बैठ के डिस्कस करने चाहिए सारे मामले, और फिर फाइनल कंक्लूजन बनाना चाहिए। अगर दोनों के हिसाब से दोनों का अग्री करता है, दोनों अग्री करते हैं क्लीन रिपोर्ट के लिए, दोनों अग्री करते हैं क्लीन रिपोर्ट के लिए, दोनों अग्री करते हैं क्वालिफाइड, इफ दे अग्री कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। क्या बनेगी साहब? कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। अगर अग्री नहीं करते हैं तो दे आर नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ मेजोरिटी, दे आर नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ मेजोरिटी। उनको कोई मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। चार में से तीन लोग बोलते क्लीन रिपोर्ट, एक बोलता क्वालिफाइड, मेजोरिटी नहीं चलेगी, सब अपना अपना सेपरेट ओपिनियन देंगे। जो तीन लोग साथ में थे वो कंबाइंड रिपोर्ट देंगे, जो एक बंदा अलग था वो अलग से सेपरेट रिपोर्ट देगा। एक सिंपल सी चीज होगी, कंबाइंड रिपोर्ट में रेफरेंस दिया जाएगा किसका? सेपरेट रिपोर्ट का, OMP डालकर, अदर मैटर पैराग्राफ। सेपरेट रिपोर्ट में भी रेफरेंस दिया जाएगा किसका? कॉमन ऑडिट, कंबाइंड ऑडिट रिपोर्ट का OMP डालकर, बस इतना करना है। तो कोई मेजोरिटी रूल से नहीं चलेंगे, सेपरेट रिपोर्ट देंगे और दोनों एक मेक को रेफर कर देंगे। क्या डाल के? OMP। सुनिए अब, तो अगर एग्जाम में वो सवाल पूछते हैं, सबसे फेमस क्वेश्चन है 299 में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा वो रडार पे ला रहे हैं, रिलायंस ऑन अदर जॉइंट ऑडिटर और फिर रिपोर्टिंग। अब क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्ट के बारे में, लेकिन उन्होंने लिखा किसके बारे में? रिलायंस और इसके बारे में। अब ये ड्राफ्टिंग एरर है उनके तरफ से, हमने क्या करना चाहिए? जो पूछा है वो लिखना चाहिए, ठीक है। 200 सीरीज साहब, इसमें भी कई सारे स्टैंडर्ड्स थे, हम लोगों ने वो देखे, करेक्ट। वी टेक अ क्विक ब्रेक।